परचेज के ऊपर, जिसमें मास्टर डिटेल का कॉन्सेप्ट और प्लस मल्टीपल टेबल जो हैं वो एक ही फॉर्म से कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे हमें ये पहले ये चाहिए कि जितनी भी हमारे पास डीलर की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल्ड हो जाए डीलर। फिर उसके बाद जो भी डीलर सेलेक्ट हो उसके सिलेक्शन के ऊपर क्या हो, कंपनी नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका एड्रेस आ जाए और प्लस प्रीवियस बैलेंस जो है वो सिलेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। एक लुकअप कंपनी नेम कंपनी से आ रहा है और दूसरा डिस्क्रिप्शन से आ रहा है। दो हमारे पास, एक डेटा सेट कंपनी का है और एक डिस्क्रिप्शन का है जो ऑलरेडी आप बना चुके हैं। अब हमने एक बनाना है डील। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारी डेटाबेस है उसमें कितने डीलर्स हमारे पास सेव्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, टेबल में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डीलर इन्फो, ठीक है, शो टेबल डेटा। यहाँ पे हमारे पास कोई भी डीलर नहीं है। ठीक है, उसकी मेन वजह यह है कि हमने जो अपनी डेटाबेस है उस डेटाबेस को हमने एक्सक्लूड नहीं किया हुआ। मैं कनेक्शन को क्लोज करता हूँ और डेटाबेस को यहाँ से क्या करता हूँ, एक्सक्लूड करता हूँ प्रोजेक्ट में, ताकि जो भी हम डेटा सेव करें वो सेव रहे, ना कि इसको वो ओवर राइट कर दे बिन के ऊपर, ताकि हमारा जो डेटा है वो हमारे पास रहे, ऑलरेडी इसमें मौजूद है। मैं इसको ओवर राइट करता हूँ, अप्लाई टू ऑल और यस, ठीक हो गया, ओवर राइट होगी। अब ये क्या करेगा कि इस डेटाबेस को जो एम्प्टी है इसको बार बार ओवर राइट नहीं करेगा, एक तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमें एक डेटा सोर्स चाहिए, तो मैं यूज़ बाउंड आइटम, ठीक है, डेटा बाउंड आइटम। उसके बाद हम एक डेटा सोर्स क्रिएट कर लेंगे जो हमारा डीलर को, डीलर के नेम को फिल करेगा किस में, कम्बो बॉक्स में। तो डेटा सेट हमने ले लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी आगे अटैच जो भी हमारी डेटा डायरेक्टरी है वहाँ से। नेक्स्ट रिट्रीविंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारी डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, स्टोर प्रोसीजर्स हैं, जो भी चीज़ें हमने बनाई हुई वो सारी की सारी उसकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसमें से हम अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें डीलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो डीलर इन्फॉर्मेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएंगी डीलर इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे दे दूँगा इसका नेम, डेटा सेट हम किस पे काम कर रहे हैं, परचेज के ऊपर, डेटा सेट परचेज, परचेज के अंदर हमने क्या चीज़ अभी फिल की है, डीलर इन्फो का टेबल उठाया, ठीक है। परचेज हमें बताएगा कि हम मेन किस फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं और डीलर इन्फो हमने इसको किस टेबल से उठाया है, ठीक है, ताकि हमारे जो डेटा सेट के नेम हैं वो जो डीलर का हमारा फॉर्म है उसके साथ मैच ना कर जाए, एग्जैक्ट वही ना हो जाए, ठीक है, ताकि हमें एरर ना। अब जैसे ही हमारे पास आ गया डेटा सोर्स फिल होगी, अब हमने डिस्प्ले मेंबर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है जो यूज़र को डिस्प्ले हो, तो मैं इसे कहता हूँ डीलर का जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए और वैल्यू मेंबर जहाँ पे इसका कोड है तो हम वो डीलर आईडी देते हैं कि ये आ जाए, ठीक है, ये काम हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं इसको, ये जो है यूज़र यहाँ पे टाइप भी कर सके और या टाइप के बजाय अगर हम सिर्फ सिलेक्शन दे दें कि जो ड्रॉप डाउन का हमारा स्टाइल है वो लिस्ट में आ जाए, कि यूज़र सिर्फ सेलेक्ट कर सके, टाइप ना कर सके, अपनी मर्ज़ी से जो इसमें ऑलरेडी एंटर हुए हैं उनको वो सिलेक्ट कर सके, ठीक है, एक काम तो हमारा ये हो। जैसे ही हम ये ऐड करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, फॉर्म के कंट्रोल इवेंट में जो हमारा लोड इवेंट बना है, उस लोड इवेंट में ये एक जो हमारा टेबल अडॉप्टर है उसके फिल का एक कोड ऐड कर देगा जो डेटा सेट को फिल करेगा इस टेबल में से, ठीक है, इसको हमने एज इट इज रहने देना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटा सा बटन ऐड कर देता हूँ सर्च के लिए, ठीक है, डीलर को सर्च के लिए हम एक छोटा सा बटन दे देते हैं, और इस बटन का जो नेम है उसको हम दे देते हैं 3 डॉट्स दे देते हैं, इसका मतलब है ब्राउज का, कोई ब्राउज का काम करते हैं। तो इसके अलाइनमेंट में कर लेता हूँ, कम्बो बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर बटन को सिलेक्ट किया और इसकी हम अलाइनमेंट मिडल में दे देते हैं, ठीक है, कि इसकी अलाइनमेंट, ठीक है, और इसका मैं नेम दे देता हूँ ब्राउज डीलर इन्फो, ठीक है, BTTN ब्राउज डीलर
इन्फो कि ये बटन क्या काम करेगा, डीलर की इन्फो को ब्राउज करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके सबसे पहले तो हम इसे रीड ओनली करेंगे कि यूज़र ये अपनी तरफ से कोई भी इसमें टाइप ना कर सके। पहला काम तो हमने ये करना। दूसरा काम, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन सामने ले आता हूँ। दूसरा काम जो हमने करना है वो है बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग, ठीक है, कि ये टैक्स जो है इसमें कहाँ से आएगा। तो इसका मैं टैक्स और टैग दो चीज़ें होती हैं कि आप टैग देना चाहते हैं कि टैक्स, टैग जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा, टैक्स जो है वो डिस्प्ले होगा। तो हम ये कहते हैं कि ये इसमें जो डेटा आए वो कौन से डेटा सोर्स में से आए। तो ऑलरेडी हमारे पास एक बाइंडिंग सोर्स बना हुआ है डीलर इन्फो का, तो यहाँ पे हम उसे कहते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन नेम आ जाए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी आ जाए, और इस टैक्स बॉक्स में हमारे पास कंपनी का उसी तरह बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग में टॉप पे चले जाएंगे और हमारे पास आ जाए कंपनी का नेम आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आ जाए जो भी है उसका एड्रेस, ठीक है। तो बाइंडिंग सोर्स उसको ओपन करेंगे और कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है जी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस में, जैसे ही आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी नेम और ये फिल कर देगा। उसको हम ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि सबसे पहले मैं जो हमारे पास डीलर हैं उनकी हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड एंट्री डालते हैं डीलर्स की। इस पर ऑलरेडी आपने काम कर लिया हुआ था रिकॉर्ड एंट्री पर, नहीं कोई मसला है इसमें। डिलीवर प्रीवियस बैलेंस का वो कह रहा है कि मुझे बिन के अंदर जो ऑटो रोटम थी या सेम नेम कैन नॉट ओपन, तो हम क्या करेंगे, फिलिंग में प्रॉब्लम दे रहा है तो सबसे पहले हम इसको स्टॉप करने के बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में बिन में जाके रिफ्रेश करके देखेंगे तो उसने क्या किया, उसको जो हमने पेस्ट की थी डेटाबेस को टाइप कर दिया, वहाँ से डिलीट कर दिया। तो मैं दोबारा इसको कॉपी करूँगा तो अब वो क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा, यूज बाय अनदर। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास ऑटो डॉट एम डी एफ है इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, और ये दूसरा जो हमारा जो ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट ओपन है तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका सलूशन है क्लोज करें प्रोजेक्ट को, ठीक है, अगेन ओपन, क्योंकि जब तक आपकी डेटाबेस जो है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्लोज नहीं होगा तो आपकी इस डेटाबेस को रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो डेटाबेस को हमें रिलीज़ करवाना है उसके अंदर पेस्ट करने के लिए, जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी तब तक आपका वो काम हल नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप डेटा डायरेक्टरी में जो सॉरी आपका जो एक्सप्लोरर है उसमें चले जाएँ। देखिए अभी उसने कॉपी कर दी इसको, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को विंडो एक्सप्लोरर में खोल लें, ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर में, और इन दो फाइल्स को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद बिन में चले जाएं, डिबग में, और यहाँ पे इनको पेस्ट कर लें। दूसरा तरीका कार ये होता है, कॉपी एंड रिप्लेस, कॉपी एंड रिप्लेस, ठीक हो गया। दूसरा तरीका कार ये है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को क्लोज नहीं करना चाहते उस सूरत में, तो हम दोबारा आते हैं तो कुछ हम रिकॉर्ड डीलर इन्फो से रिलेटेड जो है वो इंटर करेंगे कि जितनी भी हमारे पास डीलर्स हैं, ठीक है। डीलर नेम मैं दे देता हूँ टेस्टिंग, कंपनी नेम टेस्ट वन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 923MPD_11, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी हम दे देते हैं, ठीक है, सेल नंबर भी कुछ दे देते हैं, एज इट इज़ फैक्स नंबर, सॉरी ईमेल एड्रेस डॉट फैड एट gg.com, एड्रेस वॉट एवर जो भी आप दे दें, टेस्टिंग 1 2 3, रिमार्क्स नथिंग, सप्लायर कुछ भी दे दें, कॉन्टैक्ट नंबर 9999933, और इस सूरत के बाद हम वैल्यूज दे दी, सेल नंबर दिस एंड बैलेंस, प्रीवियस बैलेंस हम दे देते हैं इसको, सेव कर देते हैं। लेट्स सी, डीलर सक्सेसफुली सेव्ड, हमारे पास एक डीलर आ गया, ठीक है। तो डीलर नेम हम दे देते हैं दोबारा, आपने इन सबको क्लियर नहीं किया, ठीक है,
ओके डीलर नेम आ जाएगा हमारे पास जैसे ही फॉर्म खोलेंगे तो क्या करेगा इसको फिल कर देगा देखें अब इसमें से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे तो बाकी वैल्यूज को देखें चेंज करेगा ठीक है माइंड इट एंड दिस इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास डेटा सेट है तो डेटा सेट में तीन हमारे पास रोज हैं एक पहली रो है ये सॉरी जीरो इंडेक्स पे है ये वन इंडेक्स पे और टू इंडेक्स पे जो भी रो आप सिलेक्ट करते हैं उस रो से आगे जितना भी उसको डेटा मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी नेम और एड्रेस वो क्या करेगा इनमें फिल कर देगा ठीक है टेस्टिंग किया टेस्ट वन हो गया ए एस डी एफ जी किया तो ये आ गया फिर उसके बाद क्लियर 3 2 1 तो माइंड इट एंड दिस ठीक है तो ये चीज़ें अब हमने ये करना है कि अगर इसमें से कोई चीज़ उसको क्लियर नहीं हो रही तो वो ब्राउज पे क्लिक करे तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाए जिसके ऊपर हम सर्च कर सकें डीलर को ईजीली ठीक है डीलर को ईजीली सर्च कर सकें और उससे रिलेटेड हमारे पास क्या आ जाए इंफॉर्मेशन ये बाकी सारी फिल हो जाए ठीक है एक तो ये है कि यहाँ से वो सर्च कर ले तब भी फिल हो जाए अगर मल्टीपल हो कुछ समझ ना आ रही हो उसको तो वो ब्राउज पे क्लिक करे एक और फॉर्म आ जाए तो वहाँ से वो मल्टीपल जो हम सर्चिंग क्राइटेरिया देंगे उससे वो शॉर्टलिस्ट करके अपने डीलर को इजीली पहुँच सके उस डीलर तक ठीक है और उसको यहाँ पे वो एंटर कर दे क्लियर होगी चीज ओके एक चीज़ तो ये और फिर प्रीवियस बैलेंस के ऊपर भी हमें एक बैक एंड पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे ओके अभी हम आते हैं एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू फोल्डर जिसमें हम सारा ठीक है सर्चिंग फॉर्म्स सर्चिंग से रिलेटेड काम कर लेंगे ठीक है आइटम सर्च और इसी तरह से जो भी आप चीज़ जानना चाहें तो मैं एक न्यू विंडो फॉर्म बना लेता हूँ और इस फॉर्म को मैं देता हूँ FRM सर्च डीलर हम क्या करेंगे इसमें डीलर की सर्चिंग का काम करेंगे इस फॉर्म के ऊपर ठीक है तो हम इस फॉर्म की कुछ थोड़ी सी पहले डिज़ाइनिंग करते हैं एक तो ये कि ये सेंटर स्क्रीन में आ जाए ठीक है सबसे पहले और सर्च ठीक है और उसके बाद हम इसको दे देते हैं कि ये साइजेबल ना हो ठीक है मतलब इसका ये जो साइज़ है ये रन टाइम पे साइज के जो कॉर्नर आते हैं ये ना आए ठीक है ये वाले ठीक है जितना ये हो उतना ही इसका साइज़ रहे ठीक है तो उसके लिए मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसको कह देता हूँ ऐसे ही करते हैं थोड़ा सा इसको सामने ले आते हैं ताकि हमें इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आए क्या इफ़ेक्ट ये साइजेबल है तो मैं साइजेबल की जगह इसको कह देता हूँ सिंगल फिक्स्ड ठीक है या फिक्स्ड डायलॉग जैसे आप इसको देना चाहें ठीक है कि ये क्या कर देगा फिक्स्ड कर देगा उसको उसके कॉर्नर जो हैं वो रिसाइज नहीं हो सकेंगे ठीक है उसके बाद मैं इसको देता हूँ जो इसके कंट्रोल जो है मैक्सिमाइज जो है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का जो बॉक्स है वो नहीं आना चाहिए ये आप जैसे ही करेंगे तो देखिए इसकी हाईलाइट ख़त्म हो जाएगी ठीक है इसी तरह मिनिमाइज का अगर आप कहें तो मिनिमाइज बॉक्स भी नहीं आना चाहिए सिर्फ क्लोज का बॉक्स रह जाएगा ठीक है अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको मतलब एक मैसेज बॉक्स की तरह का हम इसको बनाएंगे ताकि हम तो मैं सबसे पहले कंटेनर ले लेता हूँ कंटेनर में हमारे पास आ जाएगा ग्रुप बॉक्स इस ग्रुप बॉक्स में हम दे देंगे सर्चिंग क्राइटेरिया ठीक है इसको हम नाम दे देंगे सर्चिंग क्राइटेरिया ठीक है सर्चिंग क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे आ जाएगा
तो इसमें सर्चिंग क्राइटेरिया में हमें लेबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए होंगे जी, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होंगे किस हिसाब से वो सर्च कर सके। पहले हम लेबल को कर देते हैं जी ऑटो, जो इसका साइज है फॉल्स, और पहले हम दे देते हैं नेम वाइज, ठीक है, कि नेम से वो सर्च कर सके। उसके बाद हम दे देते हैं इसको, अभी हम इसको ऑटो हाइड करते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं सर्चिंग क्राइटेरिया को, बल्कि स्क्रू बॉक्स को हम डॉक में दे देते हैं, डॉक जो है वो टॉप हो जाए, टॉप पे डॉकिंग हो जाए, ठीक है। नेम, नेम के साथ आ जाए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं डीलर में, सर्चिंग के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं, हम डेटाबेस से चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास डीलर इन्फो है इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सर्चिंग के लिए, जो यूज़र को हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहले डीलर नेम आ जाएगा, फिर कंपनी नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं उसको देता हूँ कि वो डीलर नेम से सर्च कर सके, ठीक है। और उसके बाद कंपनी नेम से सर्च कर सके, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम इसको करेंगे, डीलर नेम और इनका साइज भी हम इसी के बराबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इनको हम उसके साथ प्लेस कर देते हैं, और हमारे पास कंपनी नेम आ गया। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आ गई जी, रिज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लस हम दे देते हैं इसका एड्रेस से, हाँ एड्रेस चलेंगे, एड्रेस कर देते हैं एड्रेस, ठीक है जी। कि ये तीन चार चीज़ों से ही है सर्च कर सकें रिकॉर्ड को, ठीक है। उसको हम यहाँ पे दे देते हैं, और इसको साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक हो गया। और एक बटन हमें चाहिए होगा जो यूज़र क्लिक करे फॉर सर्च, ठीक है। सर्च, और यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं DDN सर्च, ठीक है, ऑटो हाइड। उसके बाद इसका हमने नेम देना है, तो इसका हम नेम दे देंगे TXT डीलर नेम, TXT कंपनी नेम, और TXT रजिस्ट्रेशन नंबर एंड TXT एड्रेस, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ग्रुप बॉक्स लेंगे और उसके अंदर हम अपनी डेटा ग्रिड लेंगे जो इसको हमें सर्चिंग की डिटेल बता देगी, और इसकी हम डॉकिंग जो है वो बॉटम में कर देते हैं, ठीक हो गया। और उसको हम दे देते हैं यहाँ पे सर्च रिजल्ट एंड सर्च रिजल्ट, ठीक है जी। और ये चीज़ आ गई हमारे पास, फिर हमने यहाँ से ले लेना है क्या चीज़, एक डेटा ग्रिड व्यू, और इसकी हम जो डॉकिंग है वो हम कर देते हैं फिल, पेरेंट में आ जाए, ठीक है। अनेबल एडिंग और एडिटिंग और डिलीटिंग कोई भी चीज़ यहाँ से ना हो सके, ठीक है। फिर हम इसके अंदर एक डेटा सोर्स ले लेते हैं, सॉरी नया डेटा सोर्स बनाएंगे, हम डेटा सोर्स एक क्रिएट कर लेते हैं, वो लाइट टू दिस कनेक्शन इन द बिहेवियर इस हम इसमें ओवरराइट हमने नहीं करनी, बिन के अंदर वो जाके ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से उठा लेना है डीलर की इन्फो, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं डेटा सेट सर्च डीलर इन्फो, पहले फॉर्म किस फॉर्म पे काम कर रहे हैं और किस
टेबल से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। तो अब हमने यहाँ पे कुछ एडिट कॉलम एडिट कर रहे हैं कि हमें आईडी जो है वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, नेम हो हमारे पास, कंपनी नेम होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए, और भी कुछ चीज़ें आप देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, सेल नंबर, फैक्स नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम दे देते हैं। तो डीलर को हमने हाइड करना है, विजिबिलिटी फॉल्स कर देते हैं, और इसका नेम याद रखना है कि इसका नेम है एन डीलर आईडी डेटा ग्रिड व्यू टेक्स्ट बॉक्स कॉलम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसको, इसको हम कर देते हैं डीलर नेम। कंपनी नेम चीज़ें हम रिमूव भी कर सकते हैं और हाइड भी, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। मैं हाइड करता जाता हूँ, ईमेल भी हाइड कर लेते हैं, एड्रेस को हम दे देते हैं कंपनी एड्रेस, और इसका साइज़ हम कर लेते हैं 200। ठीक है, और आईडी का साइज़ जो हम 60 कर देते हैं, वैसे भी ये विजिबल नहीं होगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम कर देता हूँ 120, कंपनी नेम भी 120। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कम कर देते हैं 80। ठीक है, तो जो आप देना चाहें मोस्ट जो आपको सूटेबल लगे मैं इसको कर देता हूँ 70। ओके, एड्रेस सप्लायर जो है डोंट नीड दिस, जो चीज़ें हमने शो नहीं करवानी उनको हम विजिबिलिटी फॉल्स कर देंगे, रिमार्क्स को रहने देते हैं, इसको कर देते हैं रिमार्क्स और इसको कर देते हैं 250। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने शो करवा ली और कुछ चीज़ें हमने हाइड कर दी। ठीक है, ओके, अब हमें करना ये है कि जब यूज़र इस फॉर्म से इस बटन पे क्लिक करे ब्राउज के ऊपर, तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो क्लिक इवेंट इसका बनाते हैं ब्राउज के बटन का कंट्रोल एक्स, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्राउज के बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो ये क्या करे, जो हमारा FRM है सर्च डीलर का, सर्च डीलर डॉट क्या हो जाए, शो डायलॉग हो जाए। ठीक है, शो डायलॉग हो जाए मीन जैसे हम मैसेज बॉक्स आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो, जब ये आ जाएगा हमारे पास तो हमने सर्चिंग क्राइटेरिया देना है ये, इन चारों कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन फिर हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये करना है, यहाँ पे हमने एक क्यूरी होती है हमारी जो काम करती है एज अ सर्च के लिए, सिलेक्ट के लिए क्यूरी काम कर रही होती है। तो जब यूज़र सर्च के बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो सर्च के बटन पे क्लिक होने के साथ क्या हो कि जो हमारा एडॉप्टर है मी डॉट, जो हमारा TBL डेटा एडॉप्टर है, इसके अंदर आप देखेंगे एडॉप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड, तो इसके अंदर एक सिलेक्ट की कमांड आती है। ठीक है, तो उस कमांड को हमने मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, उस कमांड को सेलेक्ट की कमांड को मॉडिफाई करना है कि आप डेटा सेलेक्ट करके लेके आओ डेटाबेस में से इस हिसाब से, किस हिसाब से, ये जो आपके पास होगा। ठीक, तो मैं इसके अंदर से एक पहले एक काम कर लेते हैं हम छोटा सा, एडिट कॉलम में जाके जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए मैं उनको रिमूव कर देता हूँ बजाय इसके कि मैं हाइड करूँ। ठीक है, सिर्फ हमने एक छोड़ दी जो हिडन के साथ हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया, क्लियर। अच्छा, अब हमें ये करना है, मैं ये ऐसे कहूँ कि किस हिसाब से सर्च करें, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं, डीलर नेम यूज़र डाले उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, कंपनी नेम डाले उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर डाले उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, एड्रेस डाले और उस हिसाब से, फिर इनमें से कोई भी कम्बिनेशन हो, कंपनी नेम और एड्रेस हो, एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर हो, डीलर नेम कंपनी नेम हो, या चारों की चारों फील्ड्स फिल हो, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या कर दे, सर्च कर दे। ठीक है, जिसमें हम अपनी क्यूरी को देखेंगे कि कौन कौन सा टेक्स्ट बॉक्स खाली है, कौन कौन सा नहीं है, उस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, तो हमने करना यह है कि हमारे पास चार टेक्स्ट बॉक्स हैं। ठीक है, तो जो हमारी क्यूरी जनरेट होगी
उसमें आएगा जो भी आपका सेलेक्ट डीलर है, फॉर एग्जांपल मैं एक टेम्प्ररी हम न्यू क्यूरी एक बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कोई भी एक न्यू क्यूरी जनरेट करते हैं। राइट क्लिक न्यू क्यूरी, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं डीलर इन्फो क्लोज। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम एक ले लेते हैं टेम्प्ररी बेस पे, कि हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू में क्या है, आईडी है, ठीक है, उसके बाद डीलर नेम है, जितने भी हमारे पास फील्ड्स हैं सारी की सारी मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड आ गई, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। अब इसमें से हमने चार क्राइटेरिया के मुताबिक सर्च करना, एक तो ये है, या तो वो क्या देगा, डीलर का नेम देगा, तो मैं फिल्टर में दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब एक छोटा सा चेंज देखेंगे, यहाँ वेयर का क्लास एक ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कंपनी नेम, देखें वेयर का क्लास आ गया। अब अगर मैं कंपनी नेम के आगे एक पैरामीटर नया ऐड करवाता हूँ तो वो देखें दरमियान में एक साइन आ जाएगा एंड का, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है जी रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस है। फिर हम आते हैं जी कंपनी का, हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसके लिए जब मैं फिल करता हूँ एक पैरामीटर तो अगेन एक एंड और उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब आते हैं आगे, हमारे पास है जी एड्रेस, एड्रेस के साथ मैं एक फिल्टर ऐड करता हूँ, तो हमारे पास देखें पैरामीटर 4 ऐड हो जाएगा और साथ में उसकी क्यूरी जनरेट। अच्छा जी, अब हमने जितने चार पैरामीटर हमारे पास बन गए, तो चार पैरामीटर में जब आप वेयर के क्लास में देखेंगे तो हर पैरामीटर के दरमियान में एक एंड का साइन होगा, ठीक है, कि वो क्या करे, सर्च करे वेयर डीलर नेम ये हो, कंपनी नेम ये हो और रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो एंड एड्रेस जो है वो ये हो। अब यहाँ पे तो हमारे पास चार पैरामीटर बन गए, लेकिन रन टाइम पे हमें क्या पता कि यूज़र किस में वैल्यू एंटर करता है और किस में नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र सिर्फ जो है वो एक में दे देता है, बाकी तीन में नहीं देता, तो तीन पैरामीटर अगर नल जाएंगे तो फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने ये करना है, हमारी जो ये क्यूरी जनरेट होनी है, ठीक है, सिलेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्यूरी तो हमारी डेटा सेट में मौजूद है सिलेक्ट की कमांड, ठीक है, जिससे डेटा सेट फिल होता है, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब जो वेयर वाली कहानी है वो हम रन टाइम पे करेंगे कि जिस टाइम पे जो है ये खाली ना हो तो तब ये काम कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेम क्यूरी बिल्डर के नाम से, ठीक है, या सर्च क्यूरी या जो भी आप नेम दे दें, ठीक है, बिल्डर एज अ न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, तो इसको हम लेंगे स्ट्रिंग बिल्डर को, तो यहाँ पे हम देंगे क्यूरी बिल्डर एज अ न्यू सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग बिल्डर, क्या लेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे जिससे हम स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जब सर्च पे क्लिक हो तो ये क्या करे, जो हमारी क्यूरी बिल्डर है डॉट उसमें अपेंड कर दे, अपेंड कहते हैं जोड़ने को, ठीक है, उसमें अपेंड कर दे, क्या चीज़ अपेंड कर दे, अभी तो वो नल है, जब ये न्यू इनिशलाइज होगी तो ये नल है क्योंकि कोई भी वैल्यू हमने नहीं दी हुई, अपेंड कर दे, तो अपेंड में हमारी जो क्यूरी बनेगी वो हम क्यूरी उठा के लेके आएंगे और उसको सिंगल लाइन कर लेंगे यहाँ पे लाके, ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम उसको यहाँ पे सिंगल लाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास बैकस्पेस, ठीक है, और ये आ गई हमारे पास सिंगल लाइन में। अच्छा जी, उसके बाद आ गई जी आखिर में लास्ट में हमारे पास रिमार्क्स, फिर हमने साथ में ले लेना फ्रॉम टेबल, जैसे जैसे सिंगल लाइन में आती जाएगी कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्यूरी को बंद कर देना, ये हमारी होगी सिंगल लाइन, ठीक है जी, कि हमने क्यूरी बिल्डर में डाल दिया कि क्या करो, यहाँ पे इसको हम सेट कर देंगे फ्रॉम के बाद, एक गलती है ये कि सिलेक्ट ये फील्ड जो है वो ढूंढ के लेके आओ कहाँ से, वेयर टेबल में से,
और इसके आगे एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं, वेयर, क्योंकि आगे हमने काम करना है वेयर का, ठीक है। वेयर जो है, अब वेयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वेयर में हमारे पास चार पैरामीटर थे, एक था डीलर नेम, कंपनी नेम, रजिस्ट्रेशन नेम और कंपनी एड्रेस, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको ये दे देता हूँ यहाँ पे, इफ नॉट क्या चीज़ मी डॉट टी एक्स, जो डीलर नेम है डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, अगर खाली ना हो तो वो क्या करे, जो हमारी क्यूरी बिल्डर है उसके अंदर अपेंड कर दे, मज़ीद एक चीज़ जोड़ दे, क्या चीज़ जोड़ दे, स्पेस के साथ मैं इसको दे देता हूँ जो हमारी एस डीलर नेम है, ठीक है, क्या देता हूँ एस डीलर नेम, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं एस डीलर नेम लाइक, लाइक वाला काम कर लेते हैं, किसके बराबर हो, उसके बाद हम दे देते हैं डबल एंड के साइन, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट जो है वो डाल देंगे, ठीक है, जो भी हमारे दो एंड के साइन हम दे देंगे, मी डॉट सॉरी इसको हम डबल साइन और यहाँ पे भी डबल कोट के साइन, और यहाँ पे हम दे देंगे मी डॉट जो भी हमारा टी एक्स टी डीलर नेम डॉट टेक्स्ट यूज़र ने लिखा है वो, और एंड साइन, ठीक है। इसको हमने अपेंड कर दिया किसके साथ, के सेलेक्ट दिस 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 वेयर एस डीलर नेम लाइक दिस, और आखिर में हमारे पास एक और चीज़ जब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक है एंड, उसके बाद फिर एक एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ एंड कैपिटल में और दो स्पेस दे देता हूँ। दो स्पेस क्यों दिए, उसकी वजह में भी आगे आपको डिफाइन करेंगे कि ये दो स्पेस हमने क्यों दिए आखिर में, ठीक है, दो एक्स्ट्रा स्पेसेस हमने क्यों दिए। ये तब अपेंड होगा, ये वाली वैल्यू तब अपेंड होगी जब वो क्या करेगा, जो हमारे पास कमांड बिल्डर है उसमें क्या करेगा, सेलेक्ट जो भी हमारा क्यूरी है, जो भी टेबल है वहाँ से डेटा सेलेक्ट करके लाए, और वेयर, वेयर के बाद ये तीन चीज़ें मैंने आगे एक चीज़ डाल दी कि एस डीलर नेम, एस डीलर नेम कहाँ से आएगा, कि जिस फील्ड पे हम सर्च कर रहे हैं वो, इक्वल टू पैरामीटर का हमने इक्वल टू और लाइक का काम पहले किया था एक लुकअप फॉर्म के ऊपर, तो ठीक है, तो हमें इक्वल टू सूट नहीं करता, लाइक जो है वो सूट करता है, ठीक है। तो हमने पैरामीटर की वैल्यू की जगह दे दिया, उसका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ से वैल्यू उठा के लाए। अब उसके बाद फिर एक चीज़ है एंड, एंड आएगा तो इसका मतलब हम आगे वाली चीज़ उसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूज़र ने फॉर एग्जांपल पहला सेलेक्ट नहीं है या पहले में वैल्यू नहीं है, दूसरे में वैल्यू है, तो दूसरा हमारे पास कौन सा है जी, कंपनी नेम है। तो मैं इसे कहता हूँ इफ़ नॉट मी डॉट टी एक्स टी जो हमारा कंपनी नेम है डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या चीज़ है जी, नथिंग, अगर खाली नहीं है कंपनी का टेक्स्ट जो है वो खाली नहीं है, तो फिर क्यूरी बिल्डर में इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, अपेंड हो जाए डीलर नेम के साथ की जगह कंपनी नेम, और यहाँ पे डीलर नेम की जगह क्या हो जाए, कंपनी नेम का टेक्स्ट आ जाए, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़र इसको सर्च नहीं करता या सिर्फ इससे सर्च करता है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स में आप देखेंगे तो जो डीलर नेम का पैरामीटर था वो ख़त्म हो गया जी। फॉर एग्जांपल यूज़र डीलर नेम देता ही नहीं है, सिर्फ कंपनी नेम देता है, तो फिर ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, यही बात है, ठीक है। अगर डीलर नेम भी देता है कंपनी नेम, तो उनके दरमियान में एंड एंड के साइन आते जाएंगे, और लास्ट वाले में देखें एंड का साइन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वेयर का साइन हर एक के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, ये काम हमने कर दिया दूसरे के ऊपर। तीसरा काम, इफ नॉट मी डॉट टी एक्स टी रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, अगर वो तीसरा जो है वो भी खाली ना हो, ठीक है, तो फिर ये क्या करे, इसी के हम कॉपी पेस्ट करते हैं, और कंपनी नेम की जगह क्या आ जाएगा, एस रजिस्ट्रेशन नेम लाइक जो है वो क्या हो जाएगा, मी डॉट टी एक्स टी रजिस्ट्रेशन नेम डॉट टेक्स्ट, और फिर आखिर में एंड का साइन दो स्पेसेस के साथ। अब हमारे पास लास्ट आ जाएगी फोर्थ वन, चौथी चीज़, इफ नॉट मी डॉट टी एक्स टी जो एड्रेस है वो अगर खाली ना हो, तो देन क्यूरी के साथ अपेंड कर दो, एक चीज़ और ऐड कर दो, कौन सी चीज़ ऐड कर दो जी, एड्रेस, कंपनी का
एड्रेस जो है उसको सर्च कर लो, वेयर इन डॉट टीएक्सटी, सॉरी टीएक्सटी एड्रेस डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास चार हमने ऐड करवा दिए, रन टाइम पे हो सकता है पहला खाली हो, दूसरा खाली हो, तीसरा खाली हो, चौथा खाली हो, या कोई एक फिल हो, या इनमें से कोई दो फिल हो, कोई तीन फिल हो। अगर ये और ये फिल होंगे तो क्या करेगा, इस क्यूरी के साथ एक शुरू में स्पेस रखना है कि वेयर के बाद, ठीक है, कि एक स्पेस के साथ है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वेयर के बाद एक स्पेस है, ठीक है, वेयर के बाद स्पेस है, वेयर के बाद एक स्पेस ऐड कर दे और ये वाली वैल्यू उसके साथ क्यूरी में ऐड कर दे और आखिर में दो स्पेसेस दे दे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यूज़र ने ये खाली नहीं छोड़ी, मतलब ये और ये इन दोनों का कम्बिनेशन बन गया, तो फिर इसके साथ रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर दे और इन दोनों को स्किप कर जाए। ये उस सूरत में अपेंड होंगे जब इनका टेक्स्ट जो है वो खाली नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास आखिर में एंड का साइन, आप इस क्यूरी में देखेंगे तो एंड का साइन आखिर में नहीं आता, ठीक है। जब अगर कोई भी सिलेक्टेड ना हो, कोई भी पैरामीटर सिलेक्टेड ना हो, ठीक है, मैं सारे पैरामीटर ख़त्म कर देता हूँ, जब कोई भी पैरामीटर ना हो तो आप इसमें देखेंगे इग्नोर करें और वेयर के क्लास को भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। जब कोई भी पैरामीटर नहीं होगा तो वेयर भी नहीं होगा, जब कोई भी पैरामीटर नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है वेयर भी नहीं होगा। अब लेकिन यहाँ पे तो हमने वेयर डाल दिया हुआ है, और अगर इनमें से कोई सिलेक्ट होगा तो आखिर वाले में एंड नहीं होगा, यही बात है, ठीक है। अब हमने ये करना है कि इस क्यूरी को उठा के जो हमारा टेबल अडॉप्टर है उसकी सिलेक्ट की कमांड में देना है, लेकिन साथ उसको ये भी बताना है कि जो एंड, जो आखिरी एंड है या वेयर है, उसको हमने काटना है इसमें से, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि यूज़र ने कोई वैल्यू सिलेक्ट की है या नहीं की, अगर की है तो क्या आएगा, एंड और उसके साथ दो एक्स्ट्रा स्पेसेस आएंगे, अगर नहीं सिलेक्ट की तो वेयर आएगा। वेयर के जो कैरेक्टर हैं वो पाँच हैं, एंड के कैरेक्टर कितने हैं, तीन हैं, तो मैंने क्या कर दिया, दो एक्स्ट्रा स्पेस देके इसको भी पाँच कैरेक्टर के बराबर कर दिया, कि यूज़र कोई भी सिलेक्ट करे या ना करे वो इस क्यूरी को उस वक्त पास करे डेटा अडॉप्टर में जब उसके आखिरी पाँच कैरेक्टर्स को रिमूव कर ले। दोनों सूरतों में पाँच कैरेक्टर्स को रिमूव करके फिर इस क्यूरी को उठा के किसको दे, टेबल अडॉप्टर की जो सिलेक्ट की कमांड है उसको दे दे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्यूरी बनी है क्यूरी बिल्डर के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ जो क्यूरी बिल्डर है डॉट रिप्लेस हो जाए, किस चीज़ से रिप्लेस हो जाए, ओल्ड करेक्टर एज अ करेक्टर, ठीक है, या ओल्ड वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, कि पुरानी जो उसकी वैल्यू है, पुरानी वैल्यू उसकी कौन सी है, मैं कहता हूँ जो क्यूरी बिल्डर है डॉट टू स्ट्रिंग, ये इसकी पुरानी वैल्यू आ गई, ये उसकी क्यूरी बिल्डर के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है ना, तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है, रिप्लेस को जब मैंने कॉल किया तो रिप्लेस पूछ रहा है कि इसकी पुरानी वैल्यू दो, पुरानी वैल्यू दे दी कि जो इसमें पड़ी हुई है वही इसकी पुरानी वैल्यू, किसके साथ रिप्लेस करना है, न्यू वैल्यू में देता हूँ, तो मैं इसको कहूँगा क्यूरी बिल्डर डॉट, ठीक है, रिमूव, रिमूव कर दो, किस चीज़ को रिमूव कर दो, अब स्टार्ट इंडेक्स के कहाँ से रिमूव करना स्टार्ट करूँ, तो मैं उसे कहता हूँ जो हमारी क्यूरी बिल्डर है डॉट रिमूव, सॉरी डॉट उसकी लेंथ, जितनी भी उसकी लेंथ है, लेंथ में से पाँच माइनस करके आगे, शुरू की वैल्यू छोड़ दो, मतलब यहाँ तक की वैल्यू छोड़ दो और उससे आगे कितने करेक्टर बनते हैं, पाँच करेक्टर, इससे आगे वाले रिमूव करने हैं, कितने रिमूव करने हैं, कामा लेंथ ऑफ इंटीजर, कितने रिमूव करने हैं, पाँच रिमूव करने हैं, ठीक है, रिमूव कर दिए पाँच, अब हमारे पास रिमूव हो गए डॉट, मैंने इसको कह दिया टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने इसको ओल्ड वैल्यू भी दे दी और न्यू वैल्यू भी दे दी, मैंने इसे कहा इसकी पुरानी वैल्यू ये है जो ऑलरेडी उसमें पड़ी हुई है या जो अपेंड होके जनरेट होगी, ठीक है। नई वैल्यू कौन सी है, मैंने इसे कहा इस क्यूरी बिल्डर में से रिमूव कर दो, क्यूरी बिल्डर की टोटल लेंथ में से पाँच माइनस करो, मीन्स यहाँ से आगे, ठीक है, यहाँ तक आए, माइनस पाँच माइनस करेगा तो इतनी स्ट्रिंग उसमें मौजूद रह जाएगी, ठीक है। फिर मैंने इसे कहा इसमें से पाँच माइनस कर दो और आखिर में टू स्ट्रिंग इसलिए रखा कि जो रिप्लेस है, रिप्लेस को स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए,
ठीक है, खुद जो क्यूरी बिल्डर है वो एक स्ट्रिंग बिल्डर है। स्ट्रिंग बिल्डर को मैंने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया कि इसकी स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। अब उसमें से कितने करेक्टर रिमूव करो, तो वो मैंने इसे कह दिया 5 करेक्टर रिमूव करो। पहली वैल्यू जो रिमूव का हमने कैलकुलेटर में काम किया था बैक स्पेस वाला, अगर आपको याद हो, लेंथ माइनस 1 और फिर गामा 1। ठीक है, ये रिमूव वाला काम जो है ये हम यहाँ तक कैलकुलेटर में कर चुके हैं, जिसमें हम टेक्स्ट की लेंथ में से एक को रिमूव कर रहे थे जो लास्ट करेक्टर था। ठीक है, मैंने इसे कहा 5 करेक्टर रिमूव कर दो। अब अगर इनमें से कोई भी वैल्यू इंटर नहीं है, कोई भी वैल्यू इंटर नहीं है, तो यहाँ पे इन 5 को रिमूव कर देगा। अगर इनमें से कोई भी एक इंटर है, फिर क्या करेगा, इनमें से ये जो 5 करेक्टर्स हैं इनको रिमूव कर देगा। अपेंड का मतलब है कि इसके आगे ये जोड़ दो, इसके आगे ये जोड़ दो, या इसके आगे ये जोड़ दो, या इसके आगे ये जोड़ दो, या इसके आगे ये जोड़ दो। ठीक है, तो या तो उसके पास लास्ट में वेयर आएगा, या तो लास्ट में एंड और दो स्पेसेस आएंगे। तो मैंने उसे कहा कि मेरी बिल्डर के आखिरी 5 करेक्टर रिमूव कर दो, चाहे वो एंड के हैं या चाहे वो वेयर के हैं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। रिमूव हो गए। अब रिमूव होने के बाद मैं उसे कहता हूँ जो हमारे पास TBL डीलर इन्फो का टेबल अडॉप्टर है, उसके अंदर अडॉप्टर की एक प्रोटेक्टेड फ्रेंड रीड ओनली प्रॉपर्टी है, उसमें सेलेक्ट की कमांड है। ठीक है, तो सेलेक्ट की कमांड मैंने सेलेक्ट की तो मुझे कहता है गेट एंड सेट टी सीक्वल। टी SQL स्टेटमेंट मीन्स कि हमारा जो ट्रांजैक्ट SQL स्टेटमेंट है जो यहाँ पे हमारी लिखी हुई है, ये इसको टी SQL स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मुझे दे दो। तो गेट और सेट मतलब दोनों काम आप कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दे दें, स्टोर प्रोसीजर दे दें, व्हाटएवर जो भी डेटा सोर्स के। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि आपके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, क्यूरी बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगी। क्यूरी बिल्डर डॉट SQL कमांड हमने इसको देनी है। ठीक है, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट कमांड और इसके अंदर एक ऑप्शन है कमांड टेक्स्ट। ठीक है, कि कौन सी कमांड टेक्स्ट आएगी, स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इसे दे दी, जो भी हमारे पास क्यूरी बिल्डर है उसकी स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो इसकी कमांड बन जाएगी। कमांड बन जाए, और कमांड बनने के बाद ये क्या कर दे, मी डॉट जो हमारे पास क्या चीज़ है, टेबल अडॉप्टर है, वो हो जाए फिल हो जाए। अब ये फिलिंग किस हिसाब से करेगा, जो ऊपर हमने कमांड दिया उस हिसाब से, मी डॉट डेटा सेट डॉट जो भी हमारे पास TBL डीलर इन्फो। ठीक है, अब वो फिलिंग इस हिसाब से करेगा। ठीक है, कि सिलेक्ट की कमांड में ये वाली कमांड आ गई जो यहाँ पे जनरेट हो रही है, जो यहाँ पे जनरेट हो रही है वो कमांड आ जाएगी, इसकी कमांड टेक्स्ट में आ जाएगी सिलेक्ट की कमांड में। ठीक है, इसी तरह अपडेट की कमांड होती है, डिलीट की है और इंसर्ट की है। ठीक है, उनके कमांड टेक्स्ट हमने दे दी। और फिर अब ये जो फिल वाला काम करेगा, फिल के पीछे बेसिकली सिलेक्ट की कमांड चल रही होती है, हमें पता है कि वो डेटाबेस में सारे के सारा डेटा सिलेक्ट करके लेके आता है। तो अब हमने सिलेक्ट की कमांड चेंज कर दी है, लिहाजा अब जो फिलिंग होगी वो इस कमांड के मुताबिक होगी। ठीक है, ओके जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं डीलर परचेस के ऊपर और ब्राउज करते हैं, तो ये हमारे पास डायलॉग आ गया उसका। ठीक है, इससे पीछे वो यहाँ पे भी फिलिंग नहीं हो रही थी, यूँ कहीं इसने वो तो उड़ा तो नहीं दी, डेटाबेस रिप्लेस कर दिया आई थिंक, डेटाबेस रिप्लेस हो गई है। इसको हम दोबारा चेक करते हैं ये चीज़। ठीक है, उसकी वजह कि जब हमने डेटा सेट बनाया था तो शुरू में एक ऑप्शन आई थी, मैंने उसको यस कर दिया था। मैंने डेटा सेट एक बनाया था, ऑप्शन आई थी, मैंने उसको यस कर दिया था, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आई हमारे पास। ठीक है, इसको हम पेस्ट करेंगे, अप्लाई टू ऑल, यस, कैंसिल, अगेन। तो सबसे पहले हम एंट्री, न्यू एंट्रीज डाल लेते हैं। ठीक है, जितनी भी एंट्रीज, 3, 4, 5, 10 एंट्रीज हम डाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास कुछ एंट्रीज आ गई जो हमने डाल दी। अब हम आ जाते हैं अपने परचेस डीलर के ऊपर, यहाँ पे हम ब्राउज करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड आ गया। ठीक है जी, रिमार्क्स और कुछ चीज़ें, यूज़र इसमें से सर्च करता है डीलर नेम, फॉर एग्जांपल AEM। ठीक है, सर्च, देखें इस हिसाब से सर्च हो गया। तो वो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये कोड जो है वो
जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने पे ये क्यूरी उसको पास कर रहा है जो क्यूरी हमारी डेटा सेट में मौजूद है, ठीक है। और आगे एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा कर दी वेयर, फिर उसके बाद मैंने सिर्फ डीलर नेम दिया, तो मैंने इसे कहा अगर वो खाली नहीं है, डीलर नेम खाली नहीं है तो ये चीज़ अपेंड कर दो। अब सिर्फ ये चीज़ उसने अपेंड की उसके साथ, अपेंड करने के बाद नीचे आ गया तो उसने आखिरी 5 कैरेक्टर इसमें से रिमूव कर दिए, ठीक है, क्योंकि आखिर में हमें एंड नहीं चाहिए, ठीक है जी। 5 कैरेक्टर रिमूव किए, उसके बाद उसने कमांड टेक्स्ट को सिलेक्ट की कमांड दे दी और हमारे जो डेटा सेट है उसको उस हिसाब से फिल कर दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अब क्यूरी बिल्डर क्या करेगा, वेयर तक की जो क्यूरी है वो जाएगी, अब मैं सर्च करूँगा तो उसने देखें सारे के सारे फिल कर दिए, ठीक है। ऊपर वाले जितने भी हैं वेयर से, अब मैं इसे देता हूँ AS जिसमें हो, ठीक है, और कंपनी नेम टैब ऑर्डर सेट नहीं है, सॉरी, कंपनी नेम जो है वो HO के साथ हो जाए या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ आगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई भी मैं न्यूमेरिक वैल्यू दे देता हूँ, और फिर उसके बाद एड्रेस में हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो अब चारों चीज़ें मैंने फिल कर दी, तो इसके हिसाब से अगर कोई रिकॉर्ड हो तो वो आ जाए, ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं आया। अब हम एक को बीच में से रिमूव कर देते हैं कि इन तीनों के हिसाब से कोई रिकॉर्ड नहीं है, इन दोनों के हिसाब से कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसको भी हटा दें तो इस हिसाब से आ जाए, ठीक है। अब AS जो है वो इसमें AS मौजूद है और इसमें देखें सेंटर में AS मौजूद है। अब अगर मैं करता हूँ LA, ठीक है, तो LA इसमें मौजूद है, इसके कंपनी नेम में नहीं है, मज़ीद शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है EF, ठीक है, तो यही रहेगा। अब इसको मैंने हटा दिया, तो EF और AS अगर ये किसी और में होगा विद डीलर नेम और रजिस्ट्रेशन नेम तो वो आ जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई हमारे पास। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करूँ किसी भी एक उस पर, तो फर्स्ट हम इसको ये करेंगे कि कोई भी कॉलम जब सिलेक्ट हो तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम यह है कि इसके ऊपर जब यूज़र मूव करे, अब देखें दोबारा जब मैंने सर्च पे किया तो N जो हमने हाइड किया हुआ था डीलर आईडी वो शो हो गया जो हिडन था, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं करता लेकिन सेकंड टाइम आप उसी जगह पे खड़े होकर करेंगे तो डीलर को भी उसने शो कर दिया। अब हम एक प्रॉब्लम तो इसको हल करते हैं कि जब ये फॉर्म लोड हो तो जो N डीलर आईडी है वो नज़र नहीं आना चाहिए। फॉर्म के लोड इवेंट पे मैं इसे कह देता हूँ me.N डीलर आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स था ग्रिड व्यू का, टेक्स्ट बॉक्स का कॉलम था डॉट, उसकी विजिबिलिटी इक्वल टू फॉल्स होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आनी चाहिए, पहला काम तो ये होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी चीज़ कि इसमें किसी भी सेल को आप जब सेलेक्ट करें डेटा ग्रिड व्यू के अंदर, किसी भी सेल को सिलेक्ट करें तो वो क्या करें, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सिलेक्शन मोड पे, हम इसे कहते हैं फुल रो सिलेक्ट, क्या हो जाए, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जब इस पे यूज़र डबल क्लिक करे तो ये क्या करे, जो भी वैल्यू हमारे पास सिलेक्टेड हो वो वैल्यू चली जाए कहाँ पे, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इसमें हमने एक चीज़ दी थी कि एक डिस्प्ले था और एक वैल्यू मेंबर था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक नया इवेंट बनाएंगे किस चीज़ का, डेटा ग्रिड व्यू 1 का सेल डबल क्लिक का, ठीक है, कि जब सेल के ऊपर डबल क्लिक हो तो वो क्या करे, जो हमारा फॉर्म है कौन सा FRM परचेज फॉर्म है, उसके अंदर जो कम्बो बॉक्स है डीलर नेम डॉट उसकी सिलेक्टेड वैल्यू जो है, सिलेक्टेड वैल्यू किसके बराबर हो जाए, यहाँ पे जो हमने मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट जो हमारा आइटम है, कौन सा आइटम, कॉलम 0, 0 कॉलम किसका है, नंबर का, वो डीलर आईडी का, ठीक है, जो हमने हाइड किया है वो, और रो कौन सी है जो करंट रो सिलेक्टेड है, तो इसका एक इवेंट जो है ये ई का जो इवेंट है, इस ई की इवेंट में हमारे पास सेल की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई डॉट रो इंडेक्स, जो भी करंट रो है, मैं नहीं पता कौन सी रो उस वक्त सिलेक्ट है, ठीक है, रो इंडेक्स डॉट इसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब जो हमारा फॉर्म था परचेज वाला फॉर्म उसमें जो कम्बो बॉक्स है, कौन सा कम्बो बॉक्स, डीलर वाला, उसमें जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो ये हो जाए कि इसके आइटम में डेटा ग्रिड व्यू के जितने भी आइटम हैं उसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, देखें ये सारे कॉलम्स हैं, तो इसमें हमारा जो पहला कॉलम है वो एन डीलर आईडी है,
जिसका इंडेक्स जीरो है, मतलब जो पहला होगा वो क्या है, जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री पे, ये फोर पे, फाइव पे और ये सिक्स पे, ठीक है। तो मैंने इसे कह दिया कि जीरो आइटम जो है, जीरो कॉलम, इसका जीरो कॉलम का ई डॉट रो इंडेक्स, अब उसमें जितना भी डेटा आएगा, दस भी रोज आ सकती हैं, पंद्रह भी आ सकती हैं, जो भी रो उसने करंट जिस रो पे डबल क्लिक किया उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और साथ में ये क्या कर दे, मीन डॉट क्लोज, अपने आप को क्लोज कर दे, इस फॉर्म को क्लोज कर दे। ओके, अब हम आते हैं परचेज क्लियर पे। तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट सेलेक्ट है, यहाँ पे मैं आता हूँ इसके ऊपर सेलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ, तो देखें ये सिलेक्ट हो गया। तो कुछ चीज़ हम एक्स्ट्रा ऐसी डालते हैं जो इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर या जिसको हमें पता चले कि कौन सी वैल्यू जो है इस वक्त डिले एंट्री में। मैं कोई एक ऐसी एंट्री डाल देता हूँ, टेस्ट वन 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 नेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी हम एक्स्ट्रा एक डाल देते हैं। टेस्टिंग एड्रेस और इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं डीलर के परचेज फॉर्म के ऊपर, हमारा टेस्ट सिलेक्टेड है, टेस्ट डबल वन मैंने टू किया, देखें नेम और ये चीज़ें भी उसके साथ चेंज हो गई। यहाँ पे आते हैं, यूज़र इसी तरह से सर्चिंग करेगा अपने हिसाब से, सर्च करके जो उसको डेटा मिलेगा उस पर डबल क्लिक करेगा तो देन ये उसमें जाएगा। एक चीज़ और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया तो ये देखें ये डेटा चेंज हो जाएगा, यहाँ से भी जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्च का, कि हम उसको सर्च करके मूव कर सकें कि जो स्पेसिफिक डीलर उसको चाहिए उससे वो इजीली एक्सेस कर सके उस डीलर तक, ठीक है। फर्स्ट काम तो हमारा ये हो गया। अब हमने ये करना है, यूज़र जब इसको सिलेक्ट कर ले, सेलेक्ट करने के बाद अब वो परचेज इनवाइस नंबर देगा, डेट देगा और बिल्टी नंबर, तीन चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। हमारा सर्च वाला काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे हम अपने डीलर के परचेज के फॉर्म के ऊपर, ये जो हमारा बटन है इसके ऊपर हम इसको दे देंगे कि जो हमारा टैब स्टॉप है वो ना हो, इस पर टैब ना रुके, यूज़र क्लिक करे अगर उसको इसकी ज़रूरत है, नहीं तो वो सेलेक्ट करके आ जाए, ठीक है। अब हमने करना है डेट के ऊपर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका नाम है जी बर्थ डेट, और यहाँ पे फिर हम उसके की प्रेस का जो हमारे पास सॉरी गॉड फोकस लॉस फोकस का इवेंट है उसमें किया हुआ ऑलरेडी, दैट्स गुड। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होता है लिया एसक्यूएल डेट टाइम का, गुड ओके। ये काम हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है कि डेट यहाँ पे यूज़र जो इंटर करे उस हिसाब से सेटिंग कर ले कि डेट रॉन्ग है कि राइट है, उसका फॉर्मेट ठीक है कि नहीं है। उसके बाद यूज़र आएगा यहाँ पे, अब यूज़र ने यहाँ पे एंट्री करनी है इंजन नंबर, फिर सेलेक्ट करना है कंपनी नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन वो सिलेक्ट करेगा। तो कुछ हमने कंपनी नेम्स डालने हैं और कुछ जो है कलर वो जो है इसमें डालने हैं हमने, कलर जो है वो इसमें आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू ये होता है कि हमारे पास एडिट कॉलम में आप जाएंगे तो कलर जो है उसका यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है जिस तरह हम आइटम्स करते थे आइटम कलेक्शन का मो बॉक्स के अंदर बाई डिफॉल्ट, ठीक है। ये आगे तो यहाँ पे हम बाई डिफॉल्ट देते हैं रेड ब्लैक वाइट ग्रे और ब्लू ग्रीन येलो ब्राउन, ठीक है, कुछ हमने कलर इसमें आइटम कलेक्शन में दे दिए, ठीक है। फिर हमने ये करना है कि अभी एक चीज़ आप और नोट करेंगे तो हम दो दफ़ा क्लिक करते हैं तो तब वो एडिटिंग मोड में जाता है, ठीक है। डीलर पे आ जाओ, तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा क्लिक किया फिर दोबारा क्लिक कर दूँ तब वो एडिटिंग मोड में आता है, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक किया नहीं हुआ फिर क्लिक करूँगा तो तब वो आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रिड व्यू है उसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे इसका होगा एक एडिट जो मोड है वो हम कर देंगे एडिट ऑन एंटर, जैसे ही इसमें एंटर हो यूज़र, ठीक है, तो वो एडिट मोड में आ जाए, ठीक है।
क्लिक किया तो वो डायरेक्ट जो है वो उसके इंटर मोड में आ रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा था, मुझे 2-3 दफ़ा क्लिक करके समझाना पड़ रहा था। ठीक है, अच्छा अभी जैसे हम इंटर करते जा रहे हैं वो उसके एडिट मोड में आता जा रहा है। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आए, मॉडल में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आए, इसमें न्यूमेरिक आए, इसमें न्यूमेरिक आए, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू आए। ठीक है, तो इनको हमने बाउंड करना है कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो आएँ, इसके अलावा और वैल्यूज ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम की प्रेस का इवेंट जो है वो इनमें तो नहीं दे सकते डायरेक्ट, ठीक है, किसी भी अलग अलग सेल में, तो उसके लिए हम अलहदा से हैंडलर बनाते हैं और इनको हैंडलर पास कर देते हैं। ठीक है, अलग से हैंडल बनाएंगे, मतलब ऑलरेडी जो भी इवेंट बनता है वो हैंडल के थ्रू बनता है। ठीक है, तो हम की प्रेस का एक सब रूटीन एक बना लेंगे अपने पास। ठीक है, मैं इसको आउटलाइन को कोलैप्स करता हूँ और यहाँ पे एक रीजन हम बना लेते हैं। ठीक है, उस रीजन का नेम दे देते हैं, रीजन को मैं दे देता हूँ सब रूटीन एंड फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम जितने भी अपने सब रूटीन होंगे, फंक्शंस होंगे, वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट सब बनाता हूँ की प्रेस ग्रिड व्यू सेल। ग्रिड व्यू सेल के लिए हम एक की प्रेस बना रहे हैं। तो पहली चीज़ आपको पता है इवेंट में हमें क्या चीज़ होती है, सेंडर होती है हमारे पास। ठीक है, सेंडर एज अ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ अगर हम की प्रेस का काम करेंगे तो की प्रेस के लिए ई एज अ क्या चीज़ होती है हमारे पास, की प्रेस इवेंट आर्गुमेंट होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, क्योंकि ई जो है वो की प्रेस को हैंडल करती है, कौन सी की आ रही है कौन सी नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमने ऑलरेडी एक की प्रेस आई थिंक बनाई हुई है जो हमारे असेंबली फंक्शन के अंदर मौजूद है। काम किया हुआ है की प्रेस में, ये की प्रेस न्यूमेरिक मीन्स इसमें क्या है, सिर्फ न्यूमेरिक की है। किस सूरत में, जब ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इसी क्लास को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, मी डॉट असेंबली फंक्शन बनाई हुई है वेरिएबल में, सी एल एस फंक्शन, सॉरी मैं इसको कहता हूँ मी डॉट सी एल एस फंक्शन डॉट क्या चीज़ थी हमारे पास, की प्रेस न्यूमेरिक ई की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू जो है वो इसमें आ जाए। ठीक, वो तो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन में जाके देखते हैं, ये है हमारे पास की प्रेस न्यूमेरिक जो है वो ये वैल्यू चलेगी। इसका नाम भी की प्रेस न्यूमेरिक है लेकिन इसमें दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, हमने एक ही पैरामीटर दे दिया की प्रेस न्यूमेरिक और उसमें ये काम हो जाएगा कि बैक स्पेस अलाउ होगा और न्यूमेरिक हमें अलाउ होगा, बाकी जो वैल्यूज हैं वो अलाउ नहीं होगी। अब हमने इस हैंडल को, ये अभी सब रूटीन बनाई है, इसके आगे हमने हैंडल नहीं दिया। अब ये हैंडल हमने देना है किस सूरत में, जैसे ही हमारा फॉर्म लोड हो या किसी और इवेंट पे हम इसको हैंडल दे देते हैं। अब हमने इस क्या करना है, ये जो की प्रेस का हमने एक सब रूटीन बनाई है इसको एज अ हैंडल बना के हमने देना है। तो हैंडल हमने बनाना है कि ग्रिड व्यू के ऊपर जो हमारे पास ये 5 कॉलम है, एक मॉडल का, आइटम अमाउंट का, डिस्काउंट का, डिस्काउंट परसेंटेज और नेट अमाउंट, इनमें जो है ये क्या हो, जो हमारा की प्रेस है वो सिर्फ न्यूमेरिक का काम करे। ठीक है, फिर एक चीज़ हमने और देखनी है कि जो नेट अमाउंट है हमारा, इस पे कोई भी यूज़र एंट्री ना कर सके, वो आइटम पे लिखे तो इन दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन होकर नेट अमाउंट में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेट अमाउंट को जाके उसको रीड ओनली कर देंगे कि ये सिर्फ जो है वो रीड ओनली हो। ठीक है, तो अब हमारे पास 1, 2, 3 और 4 रह गए जिन पे हमने की प्रेस का इवेंट लगाना है। ठीक है, तो ये जो है ये 0 इंडेक्स पे है, मतलब कॉलम नंबर 0 है, कॉलम नंबर 1, 2, 3, कॉलम नंबर 4 पे है, 1, 6 पे है, 7 पे और 8 पे। कॉलम नंबर 4, 6, 7 और 8 कॉलम नंबर जो हैं उस पे हमने लगाना है। ये तब लगाना है कि जब हमारा ये जो ग्रिड व्यू है ये एडिट मोड में हो, जब यूज़र इसमें एडिटिंग कर रहा हो तो उस मोड में ये काम करे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा जो डेटा ग्रिड व्यू है, डेटा ग्रिड व्यू 1 और इसका जो है एडिटिंग शो कंट्रोल जो है वो हम उठा लेते हैं। ठीक है, कि जब ये एडिट मोड में हो तो हमें ये कंट्रोल शो करे, एडिटिंग कंट्रोल शोइंग, कि एडिट मोड में हमें वो कंट्रोल शो करे कि कौन सा कंट्रोल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ जो मी डॉट हमारा डेटा ग्रिड व्यू
वन है डॉट उसका जो करंट सेल है डॉट कॉलम जो इंडेक्स है वो इक्वल टू किसके हो, पहला था हमारा फोर के ऊपर, कॉलम नंबर फोर अगर हो तो ये क्या करे, एक वेरिएबल ले dim txt, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स txt num ले लेते हैं एज अ टेक्स्ट बॉक्स, हमने वेरिएबल के थ्रू एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है, कोडिंग के थ्रू एक न्यूमेरिक लिया txt num और उसकी टाइप दे दी टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। अब हमारे पास एक पैरामीटर आ रहा है e, e जो है वो इवेंट है, इवेंट में क्या चीज़ आ रही है, डेटा ग्रिड व्यू एडिटिंग कंट्रोल शोइंग के मीन्स के जो भी कंट्रोल शो हो रहा है, तो मैं इसे कहता हूँ e डॉट कंट्रोल, जो भी करंट कंट्रोल आ रहा है वो कंट्रोल किसको दे दो, टेक्स्ट बॉक्स को दे दो, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास कंट्रोल आ गया, अब हमने ये देखना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने इवेंट देना है, एक हैंडलर देना है, इवेंट देना है, तो इवेंट के लिए पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई आर रेडी हैंडलर लगा हुआ है उसको रिमूव कर दो, हैंडलर को रिमूव कर दो। अब ये पहली चीज कह रहा है ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम क्या कहते हैं जी txt num जो अभी हमने बनाया है इसके ऊपर, ठीक है, कामा एड्रेस ऑफ किसके बिहाफ पे हमने बनाया था की प्रेस का एक इवेंट बनाया था डेटा ग्रिड व्यू सेल, उसके बिहाफ पे जो txt num, ये बताना है किस इवेंट पे काम करेगा, की प्रेस के इवेंट पे, इस टेक्स्ट बॉक्स के मतलब हमारे पास e डॉट कंट्रोल जो चौथा कॉलम इंडेक्स है, चौथा कॉलम इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3 4, फोर में से क्या आ रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। जब आप इसके एडिट कंट्रोल में जाएंगे तो मॉडल जो है उसकी जब आप टाइप चेक करेंगे, जो कम्बो बॉक्स की टाइप है वो क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स की है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, इसको उठा के इस टेक्स्ट बॉक्स को फोर में जो भी कंट्रोल आया है वो उठा के किसको दे देगा, txt num को दे देगा। फिर हमने ये देखना है कि txt num क्या, अगर की प्रेस का ऑलरेडी कोई हैंडलर लगा हुआ है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को आप की प्रेस का एक टाइम पे एक इवेंट दे सकते हैं, ठीक है, तो अगर ऑलरेडी हमने कोई हैंडल दे दिया हुआ है की प्रेस का तो वो रिमूव हो जाए, एहतियातन ये काम करते हैं कि कोई एरर अकर ना हो, किसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे, ठीक है, ये जो ऊपर हमने सब रूटीन बनाई थी। फिर हम इसको करते हैं ऐड कर लो हैंडल को, पहले रिमूव किया फिर उसके बाद ऐड किया txt num के ऊपर की प्रेस का इवेंट, ठीक है, की प्रेस इवेंट के साथ एड्रेस ऑफ किसके बिहाफ पे, की प्रेस जो भी हमने की प्रेस का इवेंट बनाया उसके बिहाफ पे इसको हैंडल दे दो, मतलब करो फिर हाँ पहले क्या करो इस सब रूटीन के साथ अगर हैंडल लगाया है इसका तो उसको ख़त्म कर दो, ठीक है, पहले ख़त्म किया फिर क्या किया कि इस सब रूटीन के साथ हैंडल लगा दो, किस चीज़ का, txt numeric का, तो txt numeric में कौन सा कंट्रोल आएगा, e डॉट कंट्रोल, e डॉट कंट्रोल में जो भी वैल्यू जो भी कंट्रोल मौजूद होगा, कि कॉलम फोर में कौन सा होगा, हमारा मॉडल वाला होगा, इसी तरह कॉलम सिक्स में ये होगा, सेवन में ये होगा, एट में ये होगा, तो यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ अगर कॉलम फोर है और या मी डॉट टी जो हमारे पास सॉरी डेटा ग्रिड व्यू वन है डॉट उसका जो करंट सेल है जिस सेल पे अभी हम खड़े हैं करंट सेल उसका कॉलम इंडेक्स अगर क्या हो सिक्स हो या मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट जो करंट सेल है डॉट उसका कॉलम इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाए अगर सेवन है या मी डॉट जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू वन है उसका करंट सेल और कॉलम इंडेक्स इक्वल टू क्या है सेवन एट है, ठीक है, इनमें से कोई एक हो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा कर देता हूँ नीचे ताकि वाजे हो जाए, इसको भी नीचे ले आते, अगर जो हमारा ग्रिड व्यू वन है करंट सेल का कॉलम इंडेक्स नंबर फोर है तो फिर उस कंट्रोल को उठाओ, एक वक्त में हम किसी एक कॉलम पे खड़े होंगे किसी एक सेल पे खड़े होंगे, ठीक है, कॉलम और रो के कम्बिनेशन को सेल कहते हैं, मतलब ये जो एक है ये नीचे इसको हम सेल कहेंगे, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ठीक है, इसका कॉलम अब रो सेम है कॉलम नंबर में फ़र्क है, ठीक है, जहाँ कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम उसको सेल कहते हैं, करंट सेल का नंबर अगर फोर है तो फिर उसका कंट्रोल उठा के इस टेक्स्ट बॉक्स को दे दो और हैंडलर को रिमूव करके हैंडल लगा दो, अगर सिक्स है तो फिर भी यही काम कर दो, सेवन है तो फिर भी यही काम कर दो या एट है तो तब भी यही काम कर दो, ठीक है, अब हम इसको
इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि पहले जो था हमारा, जो भी हम ऐड कर रहे थे उसमें ऐड हो रहा था। मॉडल में जाते हैं मैं यहाँ पे EBC XYZ कुछ भी डाल रहा हूँ तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिर्फ नुमेरिक आ रहा है, आइटम्स में देखें सिर्फ नुमेरिक आ रहा है, इसमें भी नुमेरिक, इसमें भी नुमेरिक, और ये हमने रीड ओनली करना था, ठीक है। इसको कि ये रीड ओनली हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो, ठीक है। मतलब इसमें अभी हम अगर देखें 7, ये था 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। तो ये 9 पे भी अप्लाई हो रहा है, इस पर चेक करते हैं, इस पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है, इस पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है, सब पे अप्लाई हो गया। इनको भी हम देखते हैं, ठीक। यहाँ से मैं इस चीज़ को कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, एल्स जो है उसकी मैक्स
मैक्सिमम इनपुट लेंथ जो है वो हमने 2 कर दी कि 2 से ज़्यादा जो है वो इनपुट ना हो सके। ठीक हो गया जी। अब हमने करना ये है, कंपनी नेम हम फिल करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे जो भी आप सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, फ्रेम नंबर भी आ गया, मॉडल भी आ गया। अब हम आइटम की प्राइस दें और उसके बाद डिस्काउंट की वैल्यू जब हम इंटर करें, जो हमारा टैक्स चेंज हो, ठीक है, करंट सेल की जो वैल्यू चेंज हो, तो उसके ऊपर वो क्या करे, कैलकुलेट करे नेट अमाउंट जो है वो, ठीक है, नेट अमाउंट में वैल्यू दे दे इस आइटम के ऊपर कैलकुलेट करके, जो भी डिस्काउंट या जो भी चीज़ इसमें मेंशन है उस हिसाब से। ठीक है, आगे चलें या यहाँ तक इसको स्टॉप करें? आगे कर दें, ये वाली एक लाइन कम से कम हम पूरी कर दें। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं जी आइटम की, यहाँ पे वो प्राइस दे, जो भी प्राइस वो एंटर करे, उसके बाद क्या करे ये माइनस करके आगे निकल दे। अब हम आते हैं डेटा ग्रिड व्यू का, एडिटिंग कंट्रोल का काम तो हमारा हो गया कि एडिटिंग कंट्रोल पे वो ये काम करे। पहले हमारा जो डेटा ग्रिड व्यू है, डेटा ग्रिड व्यू 1, और इसका हम ले लेंगे जो हमारे पास जो सेल की वैल्यू जब चेंज हो जाए तो उसके बाद ये चीज़ आए। ठीक है, सेल की वैल्यू चेंज हो जाए तो हमारे पास ये काम आए। तो उसमें सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे पास, हम जिस रो पे खड़े हैं या जो डेटा ग्रिड व्यू है, कम से कम इसमें एक से ज़्यादा रो मौजूद हों। तो पहले हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू मी, इफ़ मी डॉट जो डेटा ग्रिड व्यू 1 है डॉट उसकी जो रोज हैं डॉट उनको काउंट करो ग्रेटर देन 1 अगर हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो तो देन आपने ये काम करना है। फिर मैं विद के साथ एक काम कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास कोड जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसे कहता हूँ मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट जो हमारे पास इसके रोज़ हैं, कौन सी रो है, ई डॉट जो करंट रो इंडेक्स है वो, ठीक है, इसके साथ हम विद कर लेते हैं क्योंकि ये बार बार ये कोड रिपीट होगा। तो मैं इसे कह देता हूँ सबसे पहले हमने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है कोड में कि हमारे पास इस परसेंटेज में कितनी परसेंट यूज़र ने दिया है और वो आइटम अमाउंट की कितनी परसेंटेज बनती है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ परसेंटेज एज डबल, ठीक है, इक्वल टू, ये किस चीज़ से परसेंटेज कैलकुलेट होगी, तो मैं कहता हूँ डॉट, डॉट मीन्स विद में जो हमने चीज़ लिखी है वो सेल, तो सेल का मैं नंबर दे देता हूँ 6 नंबर जो सेल है उसके ऊपर से डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो, किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो, जो हमारी डॉट सेल है, सेल नंबर 6, 7 और 8 था आई थिंक, ठीक है, जो सेल नंबर 8 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, सेल नंबर जो 8 है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो डिवाइड हो जाए 100 के ऊपर और फिर ये मल्टीप्लाई कर जाए सेल नंबर 6 के साथ, जो भी वैल्यू बनेगी वो परसेंटेज में आ जाएगी। तो मैं इसको कह देता हूँ परसेंटेज अमाउंट, ठीक है जी, कि ये हमारी परसेंटेज की अमाउंट आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारी नेट अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो सेल नंबर 9 है, जो लास्ट सेल नंबर है, उसकी वैल्यू में आ जाए क्या चीज़ आ जाए, जो हमारा सेल नंबर कौन सा है 6 है, वो उसकी वैल्यू माइनस हो जाए किस में से, सेल नंबर डॉट सेल नंबर 7 में से, 7 की वैल्यू से, और फिर उसमें से माइनस हो जाए क्या चीज़, जो परसेंटेज की अमाउंट हमारे पास आई है वो। ठीक है, तो ये तमाम काम माइनस होके जो नेट अमाउंट बनेगी उसको सेल नंबर 9 के अंदर दे दें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस छोटी सी मुसीबत के ऊपर। यहाँ पे हमने दे दिया इंजन नंबर, व्हाटएवर जो भी हमारे पास इंजन नंबर है, कंपनी हमने ई डॉट कंट्रोल को हमने दोबारा चेक करना है कि ई डॉट कंट्रोल में पहले तो टेक्स्ट बॉक्स आया, फिर हमने जब लीव किया तो उसकी टाइप जो है वो उसको कम्बो बॉक्स में लिया गया। इसको फर्दर उसमें चेक करते हैं, पहले हम अपना ये काम कर लें, इसको स्टॉप करें। यहाँ पे हम इसे कहते हैं इफ जो हमारा कंट्रोल टाइप क्या चीज़ है, ई डॉट जो कंट्रोल है वो
डॉट अगर वो क्या है टेक्स्ट बॉक्स है ठीक है कंट्रोल में चेक करो कौन सी टाइप आ रही है टेक्स्ट बॉक्स की टाइप आ रही है तो ये काम कर दो नहीं है तो गोली मार जाने दो ठीक है सिंपल सा काम हमने कर दिया। अच्छा अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पर मैंने दिया इंजन नंबर कंपनी जो भी आपकी है 70cc फलां जो भी है फ्रेम हमारे पास आ गई फॉर एग्जांपल ये मॉडल हमारे पास आ गया ये और कलर इसका ग्रे है नेट अमाउंट इसकी बन गई फॉर एग्जाम्पल 15,000 ठीक है अभी हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया कुछ नहीं दिया तो नेट अमाउंट जो है उसके इक्वल होगी डिस्काउंट हम इसे कह देते हैं जी 350 और 350 उसमें से माइनस हो गया प्लस 10% 15,000 का 10% 1500 बन जाएगा ठीक है 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2000 तो ये बन जाएगा हमारे पास 3000 ठीक है नेट अमाउंट हमारी 3000 होगी ठीक है इसी तरह दूसरा जो भी आपका इंजन नंबर है वो ठीक है अब इसका हैंडलर जो है वो उसका थोड़ा सा एरर आ गया उसको भी देख लेते हैं ठीक है ये आ गया ग्रीन इसकी आ गई 22,000 प्लस 190 प्लस 11% ठीक है तो ये चीज़ें कैलकुलेट होती जाएंगी इस तरह हमारे पास तो ये काम हमारा यहाँ तक हो गया कैलकुलेशन का अब कंपनी नेम हम एंटर करेंगे तो वो भी हम यहाँ से फिर सेलेक्ट कर सकेंगे जो भी कंपनीज हम क्योंकि अभी हमने कोई भी कंपनी लुकअप में ऐड नहीं है तो इस वजह से वो चीज़ें नहीं आ रही ठीक हो गया फिर इसके साथ साथ मतलब ये काम जैसे जैसे होता जाए तो इस टोटल कितने आइटम हैं इनवाइस के हमारे पास वो यहाँ पर आते जाएँ और ये टोटल अमाउंट जो बन रही है सॉरी ये आइटम की जो अमाउंट बन रही है टोटल वो यहाँ पर आ जाए और फिर उसके बाद नेट टोटल इनवॉइस ग्रैंड टोटल नहीं नहीं ये जो नेट टोटल अमाउंट है ये यहाँ पे आएगी ठीक है फिर उसके बाद कि इस होल इनवॉइस के ऊपर कितना डिस्काउंट मिला और कितना हमें रुपीज़ में फिर इन दोनों को माइनस करके वो यहाँ पे आ जाएगा तो फिलहाल हमने ये दो जो हैं इनको टोटल करके यहाँ पे लेके आना ठीक है तो उसके लिए अभी हमने जैसे ही ये काम हो जाए यहाँ से वो लीव करते जाएं ठीक है तो एक हम लूप चलाएंगे वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी हमारे पास ठीक है जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी तो इसने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो अफेक्ट करनी है नीचे जितनी भी हमारी नेट टोटल अमाउंट है इस वेरिएबल में वो हम एंटर करते जाएंगे कहाँ पे इस टोटल अमाउंट में इसका नेम है जी TXT टोटल इनवॉइस TXT टोटल इनवॉइस अमाउंट ठीक है तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू एंड होने के बाद ठीक है और काउंट ग्रेटर देन जीरो जो भी है तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे फॉर का लूप ठीक है फॉर आई एज इंटीजर इक्वल टू ज़ीरो टू कहाँ तक जाए मीन डॉट डेटा ग्रिड व्यू डॉट जो हमारी रोज़ हैं ठीक है जितनी भी रोज़ हैं रोज़ डॉट काउंट माइनस टू करेंगे माइनस टू की वजह यह है कि हमारे पास एक जैसे ही हम किसी रो में एडिट करते हैं तो एक रो नीचे एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है ठीक है तो उसके लिए हम माइनस टू करते हैं अगर ऐड ना हो रही हो तो फिर हम माइनस वन करेंगे ठीक है माइनस टू करेंगे क्योंकि नीचे वाली जो है वो ब्लैंक है वो हमें नहीं चाहिए ठीक है कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को दोबारा हमने ऐड करवाना था txt invoice डॉट टेक्स्ट प्लस कर दो किस चीज़ में मी डॉट जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट उसकी रो है रो नंबर हम अब ये मुझसे पूछ रहा है
रो का इंडेक्स एज इंटीजर, तो वो मैंने आई दे दिया, आई मीन जो इस लूप में चल रहा है, फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू जीरो होगी, तो वो जीरो उसको उठाएगा वैल्यू को, ठीक है, रो नंबर जीरो होगा, दूसरी दफ़ा आएगा वन तो रो नंबर वन होगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये लूप चले, लूप चलने से पहले वो क्या करे, जो टी एक्स टी अमाउंट जो है हमारी इनवाइस का टोटल, उसको ज़ीरो कर दे, फिर नए सिरे से कैलकुलेशन करे, फिर उसमें दे। इस छोटी सी साइंस को तक तो हो गया। अब हमने टोटल आइटम काउंट करने हैं, तो हमारे पास अभी आइटम है दो आइटम हैं, तो वो भी हम जो इनवाइस के टोटल आइटम हैं इसमें भी हमने देना है कि टोटल आइटम कितने हैं, वो इसमें आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे ये काम होने के बाद इस ग्रिड व्यू के एंड इफ से पहले पहले, ठीक है, इस इफ के अंदर हमने रहना है, अगर इसके अंदर नहीं रहेंगे तो वो एक एरर जनरेट करेगा रन टाइम पे आउट ऑफ रेंज का इंडेक्स का। तो यहाँ पे हम दे देते हैं जो हमारे पास मी टी एक्स टी टोटल इनवाइस आइटम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या चीज़, मी डॉट जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू डॉट उसके रोज डॉट काउंट माइनस वन, ठीक है, जितनी भी रो हैं वो काउंट करें उनमें से एक माइनस वन कर दे, और ये अमाउंट हर दफ़ा रिप्लेस होती जाएगी आइटम्स के साथ साथ, ठीक है। इसमें क्योंकि लूप वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं है, अभी हम देंगे 1100, देखें आइटम वन हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, अभी आइटम टू हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं आइटम थ्री हो गया, और साथ साथ उसकी कैलकुलेशन होती जा रही, और जो यहाँ पे फिर चेंज होगा इसके टेक्स्ट चेंज के इवेंट पे, कि जैसे इसका टेक्स्ट चेंज हो, इसका भी टेक्स्ट चेंज हो, और इसका टेक्स्ट चेंज हो, तो इन सूरत में क्या करे कि इन तीनों के टेक्स्ट चेंज होने पे कौन सी अमाउंट होगी, ये अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल इतना डिस्काउंट और इतने परसेंट हमने दे दिया 3%, ठीक है, तो इस सूरत में क्या करे वो इस अमाउंट को शो कर दे, माइनस करके यहाँ पे शो कर दे, ठीक है। ये ग्रैंड टोटल जो आप इसका प्रीवियस बैलेंस जिस पर भी काम रहता है हमने नहीं किया, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद जो भी अमाउंट वो पे करे तो इसके टैक्स चेंज पे, मींस कि ये दो रीड ओनली होंगी, ये भी रीड ओनली होगी, इन में यूज़र ये भी रीड ओनली होगी, यूज़र यहाँ पे बाय हैंड जो है वो ना डाल सके, ठीक है। तो इन दोनों के टैक्स चेंज पे, इन तीनों के टैक्स चेंज पे, जैसे जैसे इनका टैक्स चेंज होता जाए नेट जो टोटल है इनवाइस का वो कैलकुलेट होता जाए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं, यहाँ तक तो हमारी कहानी हो गई, अब आगे आते हैं जी, ये मल्टी लाइन है, कोई बात नहीं, इसके यहाँ से फाइन फॉन्ट आप थोड़ा छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो मल्टी लाइन इसको फॉल्स रखें, क्योंकि एंटर करेंगे तो गुम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, बहरहाल अभी चलाते हैं काम। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि इसके और इसके इन तीनों के टेक्स्ट चेंज के ऊपर, ठीक है, डबल क्लिक किया तो इनका टेक्स्ट चेंज का इवेंट बनेगा, ठीक है। यहीं पे आगे मैं दे देता हूँ टी एक्स टी इनवाइस था और टी एक्स टी डिस्काउंट परसेंटेज डॉट इसका जो हमारा टेक्स्ट चेंज है, टेक्स्ट चेंज के इवेंट पे टी एक्स टी जो हमारा क्या है जी डिस्काउंट आर एस है डॉट उसके किस चीज़ पे टेक्स्ट चेंज के ऊपर, तीनों के टैक्स चेंज के ऊपर क्या काम करे जो हमारा आखिर में टैक्स बॉक्स है नेट इनवाइस टोटल जो है यह है टी एक्स टी नेट इनवाइस टोटल, तो इसमें मी डॉट टी एक्स टी नेट इनवाइस टोटल में डॉट इसके टेक्स्ट में आ जाए क्या चीज़, सेम उसी तरह से पहले हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पी ई आर अमाउंट एज अ डबल इक्वल टू, ये क्या करेगा
कि जो टोटल इनवाइस है txt इनवाइस की टोटल अमाउंट है उसके टेक्स्ट जो है उसको वैल में सॉरी कन्वर्ट करें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें किस चीज को, वैल ऑफ मी डॉट टी एक्स टी परसेंटेज सॉरी डिस्काउंट परसेंटेज डॉट इसके टेक्स्ट को डिवाइड 100 पे करने के बाद, ठीक है जी, 100 पे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दे अमाउंट से, तो जो परसेंटेज अमाउंट आएगी वो हमारे पास ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देना है नेट टोटल अमाउंट में आ जाए क्या चीज़, मी डॉट वैल्यू ऑफ मी डॉट टी एक्स टी टोटल इनवाइस अमाउंट डॉट टेक्स्ट, इसमें से माइनस हो जाए क्या चीज़, वैल्यू ऑफ मी डॉट टी एक्स टी डिस्काउंट आर एस, ठीक है, और आर एस का टेक्स्ट सॉरी आर एस का टेक्स्ट और माइनस क्या चीज़ पी आर अमाउंट परसेंटेज की अमाउंट, ठीक है, माइनस होके ये क्या बन जाएगी नेट टोटल की अमाउंट बन जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखी अब जैसे जैसे चेंज हो रही है वो फिल होती जा रही है साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देते हैं 3%, ठीक है, देखें ये 300 ये भी उस हिसाब से चेंज होगी। यहाँ पे यूज़र दे देता है जी 12 rupees, ठीक है, तो देखें ये 83 होगी, साथ में दे देता है 2%, ठीक है, चेंज हो रही है, 12 को हम 100 कर देते हैं, ठीक है, परसेंटेज को 15% कर देते हैं, ठीक है, तो वो साथ साथ चेंज होती जा रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंज की, फिर वापस आ गई, यहाँ पे हमने दे दिया 15,000, ठीक है, तो देखें उसी हिसाब से चेंज हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा 100 करता हूँ तो देखें वही है, ठीक है, इसी तरह हम इसको दे देते हैं जी 25%, या हम दे देते हैं जी 100%, ठीक है, तो माइनस 100 आ गया क्योंकि हमने 100 rupees भी डिस्काउंट है, तो ये 100% डिस्काउंट आ गया, ठीक है जी। ऊपर हम जितनी भी अमाउंट देते जाएंगे वो नीचे उसको ज़ीरो ही रखेगा, ठीक है। इसको हम जैसे ही ख़त्म करेंगे तो देखें, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ का टैक्स चेंज होगा इसके चेंज के ऊपर, जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी ये इफेक्ट होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये इफेक्ट होगी, इसी तरह जब पेड पे आप लिखें अमाउंट पेड इतना 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 तो वो बैलेंस चेंज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसके टैक्स चेंज के ऊपर, इसके टैक्स चेंज के ऊपर बैलेंस अमाउंट आती जाए, बैलेंस अमाउंट क्या होगा ये माइनस ये ग्रांट टोटल जो है, फिर हम ग्रांट टोटल भी कर लेंगे इसके टैक्स चेंज के ऊपर, इनके इनके टैक्स चेंज के ऊपर जहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया वहाँ पे हम इसको भी कर लेंगे, प्रीवियस बैलेंस और प्लस ये जो है ये दोनों जमा होकर नीचे हमारे पास ग्रांट टोटल आ जाए, ठीक है। तो यहीं पे हम कर लेंगे मी डॉट टी एक्स टी जो ग्रांट टोटल है उसके टेक्स्ट में आ जाए क्या चीज़, मी डॉट टी एक्स टी जो नेट टोटल अमाउंट है उसका टेक्स्ट प्लस कौन सा वैल्यू ऑफ मीन मी डॉट टी एक्स टी प्रीवियस बैलेंस डॉट टेक्स्ट, और इसको भी हम वैल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए, ठीक है, ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। अब हमने ये करना है पेड के टैक्स चेंज के ऊपर, जैसे ही पेड हो वैल्यू तो बैलेंस की अमाउंट आ जाए कि इसमें ग्रैंड टोटल माइनस पेड इक्वल टू बैलेंस, ठीक है। तो पेड के टैक्स चेंज के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसका टैक्स चेंज का इवेंट बन जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे मी डॉट टी एक्स टी जो क्या है बैलेंस है उसका नेम क्या है अमाउंट बैलेंस टी एक्स टी अमाउंट बैलेंस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू किस चीज के वैल्यू ऑफ मी डॉट टी एक्स टी जो ग्रैंड टोटल है हमारा डॉट टेक्स्ट वो माइनस हो जाए किसके वैल्यू ऑफ मी डॉट टी एक्स टी जो अमाउंट पेड है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आ गई उसका नेम क्या है अमाउंट पेड टी एक्स टी अमाउंट पेड डॉट उसका टेक्स्ट
देखें जी यहाँ पे हम दे देते हैं 15,000, तो ये देखें 15,000 होगी। यहाँ पे हम पेड लिखते हैं, पेड जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, 2 रुपीज़ लिखा, 1 ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो, जैसे जैसे लिखते जाएंगे उस हिसाब से वो टैक्स चेंज के ऊपर काम करता जाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया? प्रीवियस बैलेंस एक रहेगा, फिर उसके बाद सेव का काम। उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि डीलर नेम के सर्च आप ये कहते हैं कि बटन पे क्लिक ना करें, या हम शॉर्टकट की एक देते हैं जी F3 यूज़र प्रेस करता है, तो उस सूरत में ये काम क्या करे, ये ओपन हो जाएगा, इसकी सर्च जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो मैं एक मेन्यू ले लेता हूँ, टूल बार में एक मेन्यू स्ट्रिप उठा के फॉर्म पर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ सर्च। ठीक है, और नीचे दे देता हूँ डीलर सर्च। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो मैं सेट कर देता हूँ, जो हमारी शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की हम दे देते हैं यूज़र F3 प्रेस करें जी डीलर के लिए। ठीक है जी, तो इसके क्लिक इवेंट पे हम चले जाएंगे कि इसके क्लिक इवेंट पे क्या हो, वही काम हो जो दूसरे उस पर किया था हमने, FRM कौन सा, सर्च डीलर डॉट शो डायलॉग मी। ठीक है, शो डायलॉग का हमने फॉर्म ओपनिंग के थ्रू पढ़ा था, एक फॉर्म ओपनिंग की क्लास में पढ़ा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सर्च वाला मेन्यू है, मेन मेन्यू, इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दें कि नज़र ना आए। ठीक है, हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, डीलर आ गया। ठीक है जी, अब मैं क्लिक नहीं कर रहा इसके ऊपर, इसको भी हमें ऊपर से हाइड करना पड़ेगा, क्लिक नहीं कर रहा मैं, F3 प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें क्लियर हो गया, इसकी थोड़ी सी सेटिंग और करनी है, वो सेटिंग स्ट्रिप की जो विजिबिलिटी है वो फॉल्स कर रहा है पूरे मेन्यू। इसी तरह इंजन आइटम के ऊपर भी आप उसे कहें जी F4 प्रेस करें तो यह आ जाए, या F2 प्रेस करें तो आइटम सेल के ऊपर आप दे दें, और इसी तरह कस्टमर के ऊपर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, वो बटन पे क्लिक करेगा तब भी वही काम होना है, और मेन्यू पे क्लिक करेगा तब भी। नेक्स्ट आ गया प्रीवियस बैलेंस का। अच्छा जी, अब हमने कैलकुलेट करना है प्रीवियस बैलेंस। प्रीवियस बैलेंस के लिए सबसे पहले तो हम चले जाएंगे अपने डेटाबेस में और ये चेक करेंगे कि किस किस जगह से डीलर से रिलेटेड जो हैं वो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास डीलर का प्रीवियस बैलेंस है, जो फर्स्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर चलेगा तो हमने उसे देना है। ठीक है, तो ये आ गया प्रीवियस बैलेंस। तो मैं अपने पास नोट डाउन करता जाऊंगा वो चीज़ें जो प्लस में हैं और वो चीज़ें जो हमने माइनस करनी। ठीक है जी, तो पहली डीलर की जो हमारे पास आएगी वो प्रीवियस बैलेंस से आएगी। ठीक है, प्रीवियस बैलेंस का कौन सी जो फील्ड है हमारे पास वो है प्रीवियस बैलेंस। ठीक है जी, पहली प्रीवियस बैलेंस से आ गई। दूसरी, उसके बाद हम यूज़र से कब कब चीज़ें परचेज कर रहे हैं, तो मास्टर डिटेल में हमारे पास एक एंट्री है इस फॉर्म की कि जो नेट टोटल बन रही है इस फॉर्म की वो हमने डीलर को पे करनी है। ठीक है जी, तो नेट टोटल अमाउंट आ गई, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, जिस भी डीलर से हिसाब से होंगी उसकी डीलर आईडी के हिसाब से। ठीक है जी, उसके बाद हमने डीलर को कब कब पेमेंट की। ठीक है, डीलर को हमने पेमेंट कब कब की। ठीक है, तो वो हमने इन दोनों को जो हमारा प्रीवियस बैलेंस है वो और प्लस नेट टोटल में हमने जो परचेजिंग की है, परचेजिंग 10 आइटम परचेज किए हैं, 20 किए हैं, 50 किए हैं, वो ठीक है उनका सम हो जाएगा और ये और प्रीवियस बैलेंस जमा हो जाएंगी, प्लस हमारे पास जो डीलर पेमेंट है हमारे पास। ठीक है, डीलर को हमने कब कब पेमेंट की। ठीक है, 10 दफ़ा की, 12 दफ़ा की, 14 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी हमने उसको पेमेंट की वो अलग अलग से हम कैलकुलेट करते जाएंगे और उसका एक व्यू बनाएंगे, जिस व्यू में वो रन टाइम पे हमें कैलकुलेट करके देगा कि ये वैल्यूज हमने कब कब इससे
इटली, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए व्यू के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या चीज़, डीलर की आईडी, ठीक है जी, किस डीलर के हिसाब से हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक टाइप बनानी है, जो टाइप हमें ये बताएगा कि ये क्या चीज़ थी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन थी या व्हाटएवर जो भी, ठीक है। तो सेकंड हम ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि किस चीज़ की ये पेमेंट है, ठीक है, रिसीव की है डीलर से या डीलर को हमने पे की है या व्हाटएवर जो भी है, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन के बाद हम दे देंगे कि डेट कौन सी थी जिस डेट को ये पेमेंट दी गई, और उसके बाद हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट में मींस कि जो हम डीलर से चीज़ें लेते जाएंगे, परचेज करेंगे, वो हमारी डेबिट अमाउंट में आती जाएंगी, ठीक है, और जो चीज़ हम उसको पे करेंगे वो हमारी क्रेडिट अमाउंट में आती जाएंगी, और आखिर में हम उनका बैलेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमने जो कॉलम बनाने हैं, डीलर आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, डेट हमें चाहिए, डेट के बाद हमें डेबिट अमाउंट चाहिए, और एंड में हमें क्रेडिट अमाउंट चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब इसके ऊपर हम एक यूनियन के थ्रू काम लेंगे, एक व्यू बनाएंगे जिसमें हम यूनियन क्रिएट करेंगे कि हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी उस हिसाब से, ठीक है। तो हम बेसिकली एक लेजर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एक न्यू व्यू हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो व्यू में सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं और वन बाई वन हम आएंगे अब यहाँ पे। अच्छा, पहली क्यूरी हमें चाहिए कहाँ से जी, डीलर के प्रीवियस बैलेंस में से, ठीक है। तो मैं अलग अलग से क्यूरीज जनरेट कर रहा हूँ कि एक मैंने ब्लैंक ले लिया, ठीक है, और एक मैं जिससे क्यूरी को जनरेट करूँगा। सेलेक्ट एन आई डी, उसके बाद प्रीवियस बैलेंस एंड डेट, ठीक है जी। ओके, इन चीज़ों को मैं उठाता हूँ यहाँ से, फ्रॉम कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इनको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ डीलर आईडी जो है वो एज क्या हो जाएगी, डीलर आईडी, ठीक है। उसके बाद हमने एक और यहाँ पे वैल्यू ले लेनी है जो हमें डिस्क्रिप्शन बताएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दे देनी है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एज क्या चीज़, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एज डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस एज डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रीवियस बैलेंस, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ एज अमाउंट, ठीक है, जो हमारी डेबिट अमाउंट है इसको हम उठा के लास्ट में ले आते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे डेट एज डी डेट, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस जो अमाउंट है ये हमारी एज डेबिट हो जाएगी एंड ज़ीरो एज क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, फ्रॉम दिस बैलेंस। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यूनियन, हम एक यूनियन क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसमें हमें एरर आएगा, एरर की आप परवाह ना करें, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। यूनियन हमारे पास आगे हमने यूनियन बनाना है कि मल्टीपल टेबल में से वैल्यूज लेके उनको हमने कंबाइन करना है, जोड़ना है। प्रीवियस बैलेंस मैंने इसलिए डेबिट कर दिया कि मीन्स ये हमने उसे देना है, ये हमने उसे देना है, तो ये एक कॉलम में आते जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूँ दूसरा, मैंने टेबल उठाना है, तो इस टेबल को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, एड टेबल करते हैं, कौन से वाला जी, पेमेंट वाला, या हम ले लेते हैं जी परचेज मास्टर वाला। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि हमने परचेजिंग की है उससे, ठीक है। तो हमें सेम वही चीज़ें चाहिए पहले की तरह, डीलर आईडी, किस डीलर से ली हमने, ठीक है, और उसकी नेट अमाउंट क्या बन रही थी, ठीक है, और परचेजिंग की डेट क्या थी, ठीक है, तीन चीज़ें हमें चाहिए। इन तीनों को मैं अगेन यहाँ से कॉपी करता हूँ और यूनियन वाला जो हम काम कर रहे थे वहाँ पर चला जाता हूँ। अब ऊपर हमने जितने कॉलम रखे हैं नीचे भी उतने ही कॉलम डिफाइन करने, ऊपर पहला आईडी का है तो आईडी आ जाएगा, दूसरा डिस्क्रिप्शन का है तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि दूसरे में डिस्क्रिप्शन क्या आएगी, ओपनिंग बैलेंस था पहले में और इसमें क्या आ जाएगी,
परचेज आइटम्स। अब क्या हो रहे हैं कि ये परचेज आइटम हो रहे हैं तो उसकी पेमेंट जो बनी है वो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो है ओपनिंग हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और थर्ड जो है वो डेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद डेट आ गई, फिर उसके बाद क्या था, अमाउंट थी। तो ये अमाउंट आ गई जो डेबिट में चली जाएगी, और जो क्रेडिट है वो हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो एज अ CR, ठीक है। जैसे वो ज़ीरो, क्योंकि क्रेडिट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है जो भी हमने दी हो। एंड में फिर आता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ यूनियन, ठीक है जी। क्यूरी मिसिंग फ्रॉम द यूनियन, क्योंकि उसके बाद अभी हमने आगे नीचे वैल्यू नहीं दी, तो इसलिए वो कह रहा। अब हमने थर्ड इसमें टेबल ऐड करना है कि तीसरा टेबल हमारा कौन सा था जिसमें हमने उसको डीलर को पेमेंट की है, कि कब कब पेमेंट की है, उसको ऐड करेंगे क्लोज। अब पेमेंट हमने कब कब की है जी, डीलर आईडी सेकंड इसमें डिस्क्रिप्शन मौजूद है किस हवाले से हमने दी, फिर डेट किस डेट को दी और कितनी अमाउंट हमने दी, ठीक है जी। ये चीज़ें हमने ले ली, इनको हम उठा लेंगे कंट्रोल एक्स और मूव कर जाएंगे अपने इस यहाँ पर। पहले उसी तरह सेम डीलर आईडी, सेकंड ऑप्शन थी डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसको हम कर देंगे एज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन एज डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सेकंड थी डेट। अब ये अमाउंट हमने उसे दी है तो ये कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। तो इससे पहले क्या चीज़ आ जाएगी, डेबिट में ज़ीरो, डेबिट अमाउंट जो होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है जी, ओके। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी ऐसी अमाउंट नहीं हमने जो दी हो, ठीक है। अब देखें जो पहले में हमने एज का मतलब है कॉलम का नेम जो आप रखना चाहते हैं, वो डीलर आईडी, पहली फील्ड में डीलर आईडी आ जाएंगे। दूसरी फील्ड में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर ओपनिंग बैलेंस होगा किसी डीलर का, ठीक है, तो वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। कहाँ से आएगा जी, उसके प्रीवियस बैलेंस में से। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस की डेट अगर कोई है तो वो आ जाएगी। उसके बाद प्रीवियस बैलेंस एज अ डेबिट और ज़ीरो एज अ क्रेडिट, मीन्स कि ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, ओके। इसको हम सेव करेंगे अपनी इस क्यूरी को, ठीक है, और एक ज़ीरो एज डेबिट, ठीक है। परचेज डेट नहीं, नहीं ये कॉलम नेम है ना, यहाँ पे बेसिकली कॉलम नेम नहीं था, हमने अपनी तरफ से एक वैल्यू ली सिंगल कोट डाल के, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई, इनको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, ऐड न्यू व्यू, एक व्यू ऐड किया, क्लोज कर दिया, ठीक है, उसका नाम व्यू रन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके सेव करता हूँ, तो वो व्यू वन मुझसे पूछ रहा है क्या नाम रखूँ, तो मैं इसका कह देता हूँ व्यू डीलर LETG लेजर, डीलर का लेजर आ गया हमारे पास, ठीक है जी। इग्नोर कर दो, वो कह रहा है व्यू कंटेनिंग है यूनियन कैन नॉट रिस्पॉन्ड द ग्राफिकली, यूनियन को आप ग्राफिकली नहीं कर सकते, ठीक है, इस वजह से उसमें एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लें। अच्छा, अब हमारे पास एक व्यू जनरेट हो गया डीलर का लेजर, इसको जब हम शो रिजल्ट्स करेंगे तो हमारे पास इस वक्त डीलर की कोई भी अमाउंट नहीं पड़ी टेबल में, हाँ इस टेबल में हमारे पास सॉरी नहीं है। अच्छा, हमने इसी व्यू को कॉपी करना है कहाँ पे, हमारे इस डिबग वाले में भी, ठीक है। अगर डिबग वाले में नहीं करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं आएगा कॉपी, तो हम आते हैं डिबग वाली को ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे आया कि बाय डिफॉल्ट इसको पेस्ट करने देगा, ओके। इसको हम जाते हैं ओपन डेफिनेशन में, ओके, और यहाँ से इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमारा जो बिन के अंदर जो डेटाबेस है उसके व्यू में जाके मैं इसको कहता हूँ ऐड न्यू व्यू क्लोज, और उसी क्यूरी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैंने इसका नेम भी वही रखना है जो ये है, ठीक है। तो सो मैं इसकी प्रॉपर्टी में से जाके इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। मैं डेटाबेस को ओवरराइट इसलिए नहीं कर रहा कि हमारा जो डेटा है वो ज़ाया हो जाएगा,
ठीक है, इग्नोर, तो सेव करते हैं यू टू जो है वो डीलर। अब हमारे पास क्या हो गया, इसमें भी आ गया जो बिन के अंदर है और दूसरे में भी आ गया। अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ये हमें रिजल्ट शो करता है कि नहीं करता। ठीक है, हमारे पास तीन डीलर आईडीज हैं, हमने इंटर किए हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस एक का हमने इतना डाला था, एक का ये डाला था और एक का 0-0 है, मतलब एक का हमने नहीं डाला। ठीक है, इसी तरह अगर हमने जब उसको पेमेंट दी होगी तो उसी डीलर के नीचे पेमेंट भी आती जाएगी इतनी इतनी। ठीक है, ठीक है, तो वो इसी तरह पेमेंट जो है वो यहाँ पे आती जाएगी। इसी तरह फिर नीचे आप जाते जाएंगे तो जो आप परचेसिंग करते जाएंगे वो यहाँ पे आती जाएंगी डेबिट्स में, परचेसिंग डेबिट्स में जो आप पेमेंट करते जाएंगे वो क्रेडिट में। तो फिर हम एट द लास्ट क्या करेंगे कि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके बाकी जो वैल्यू है वो हमें दे दो। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा एक व्यू बन गया, इसको हम कहते हैं यूनियन। ठीक है, कि मल्टीपल टेबल्स का आप यूनियन बना लें और जो जो वैल्यूज आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले लें। ठीक है, एक लेजर बनाने के लिए। ठीक है, यूनियन हमारे पास बन गया। अब हमने ये करना है कि जो सिलेक्टेड हमारा यहाँ पे डीलर होगा उस डीलर का सिर्फ हमें बैलेंस चाहिए, उसमें से हमने क्रेडिट वैल्यूज को सम करना है और माइनस कर देना है जो हमारा क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस में से माइनस करना है क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, अब हम आते हैं व्यू के ऊपर, एक और व्यू हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, एड न्यू व्यू, व्यू को व्यू के साथ क्रिएट करना है। ठीक है, पहले हम टेबल्स लेते रहे हैं, व्यू लेंगे, डीलर्स का लेजर है वो, तो यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ डीलर आईडी, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करना क्या है, इसको मैं दे देता हूँ सम ऑफ डेबिट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्रुप बाय कर देगा। ठीक है, ग्रुप बाय कर देगा और यहाँ पे इसने हमें दे दिया सम, ग्रुप बाय और सम, एक चीज ऐड कर देगा ग्रुप बाय का, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ बैलेंस अमाउंट। ठीक है, और मैं इसके ग्रुप बाय को क्रेडिट को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, माइनस सी आर, डेबिट माइनस क्रेडिट और आखिर में क्या है सम, दोनों का सम ऑफ डेबिट एंड सम ऑफ क्रेडिट, इसको माइनस करें। हम इस क्यूरी को चेक करते हैं कि आया कि ये हमें सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, ग्रुप बाय डीलर आईडी, उस डीलर आईडी के अगेंस्ट कॉपी। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे किसके ऊपर, जो हमारी सेकंड डेटाबेस है उसके ऊपर, न्यू क्यूरी क्लोज, और यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ थोड़ा सा डेटा मौजूद है। तो ये देखें ग्रुप के हिसाब से आएगा, ये क्या करेगा, ग्रुप के हिसाब से हमें डेटा दे देगा। ये चीज हमने इसे कहा सम कर दो, क्या चीज, डेबिट माइनस क्रेडिट, जो आंसर आता जाए उसका सम हमें निकाल के दे दो, टोटल निकाल के दे दो फाइनल। तो दो ही कॉलम हमारे पास आ गए, एक डीलर आईडी और एक बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो अब हमें बैलेंस अमाउंट इस डीलर के अगेंस्ट ढूंढने में मुश्किल नहीं है। दो व्यू बना लिए, पहला व्यू बनाया जिसमें हमने डिटेल्ड चीज़ें लिखी, पहले व्यू में हमारे पास डिटेल समरी आई, पहले व्यू को खोलें जो पहले हमने बनाया, इसमें देखें डिटेल समरी आ रही है, ये डेट है फलाना है फलाना है फलाना। अब हमने क्या किया, इसमें से समरी निकाल ली, एक और व्यू बनाया इसके ऊपर कि इसके ग्रुप बाय के अगेंस्ट हमने क्या किया, वैल्यूज उठा ली बैलेंस अमाउंट। अब ये बैलेंस अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इस व्यू को सेव कर लेते हैं, पुराने व्यूज को बंद करते हैं। एक ये व्यू है जो हमारा बिन सॉरी रूट वाले उस पे डेटाबेस में, और ये बिन वाले डेटाबेस में। ठीक है, तो हम इनको सेव करते हैं, पहले रूट वाले पे इसको हम दे देते हैं व्यू डीलर बैलेंस, इसको मैं कह देता हूँ एस व्यू, मीन सुपर व्यू। व्यू के ऊपर एक और व्यू मैंने बनाया है डीलर बैलेंस का, और इसके जो नेम है वो कॉपी कर लेते हैं, और यही हमने एज इट इज बनाना है। कहाँ पे, दूसरे डेटाबेस में, दूसरी डेटाबेस में हमने करना है यही काम जो सॉरी यहाँ पे किया है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और जो हमारी दूसरी डेटाबेस है इसमें भी हमने एक व्यू क्रिएट करना है, एड न्यू व्यू,
और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ पेस्ट, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और उसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ सेव, सेम उसी तरह से एस वी कैचिस डीलर, क्या नाम रखा था, यही रखा था, चेक कर लेते हैं, बैल रखा था कि फुल बैलेंस रखा था, डीलर बैलेंस, डीलर बैल, ठीक है, सुपर व्यू डीलर बैल, सुपर व्यू डीलर बैल। अच्छा जी, सुपर व्यू बन गया हमारे पास डीलर बैलेंस। दोनों में हमने इसलिए ऐड करवाया कि जो हमारे बिन में डेटाबेस है उसमें डेटा मौजूद है और जो रूट में उसमें डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अब हमने दोनों बना लिए क्लोज हो गए। अब हमने ये करना है कि जैसे ही यहाँ पे यूजर्स डीलर जो है उसका सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो, डीलर का कम्बो बॉक्स का सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो, तो वो डेटाबेस में जाए, जाने के बाद एक वैल्यू लेके आए जो यहाँ पे हमें कर दे दे प्रीवियस बैलेंस की। एक तरीका कार तो ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि जो इसको फिल करने के लिए हमने काम किया है उसको हम एक नया व्यू बनाएं, ठीक है, या एक नया डेटा सेट बनाएं, नया व्यू बना के जिसमें हम डीलर की इंफॉर्मेशन और इसका जो प्रीवियस बैलेंस कैलकुलेट होके आ रहा है उन दोनों व्यूज को हम जमा कर दें एक जगह पे, ठीक है, और ये सारा काम हमारा इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि क्या हो जाए जी हमारे पास, हम एक और व्यू क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ऐड न्यू व्यू। अब इस व्यू में हमें क्या चीज़ें चाहिए कि हमें डीलर की इन्फो चाहिए। अब इसमें डीलर इन्फो भी है और बैलेंस भी है, डीलर की इन्फो चाहिए और प्लस डीलर का जो प्रीवियस बैलेंस है वो चाहिए। तो इन दोनों व्यूज़ को हम इकट्ठा कर लें या जो जो हमें फील्ड चाहिए, या हम क्या करें यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे हमें जो दो फील्ड चाहिए, एक फील्ड जो इसमें है, यहाँ पे हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं, एक दो तीन चार और पाँच, सिर्फ हम पाँच फील्ड्स अगर उठा लें उस तरह से व्यू बना सकते हैं कि जो डीलर के कम्बो बॉक्स के ऊपर लग जाए, या हम डीलर्स और प्लस उसका जो प्रीवियस बैलेंस है उसके लिए कंप्लीट व्यू बना लें, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है जी। हम इस तरह करते हैं कि कंप्लीट व्यू बना लेते हैं कि जो कल भी हमें ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं डीलर की इन्फो उठा लेते हैं प्लस और एक व्यू उठा लेते हैं जो सुपर व्यू है डीलर के बैलेंस का, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने उठा ली, दो हमने, एक हमने टेबल ले लिया और एक व्यू ले लिया। तो हमारे पास जो डीलर आईडी है और इसका हम आपस में लिंक क्रिएट कर देंगे कि ठीक है कि इस डीलर आईडी के हिसाब से ये फिल्टरिंग करे, इसमें इनर ज्वाइन, इसको बेसिकली हम ज्वाइनिंग कहते हैं कि दो टेबल्स या दो व्यूज़ के दरमियान या टेबल और व्यूज़ के दरमियान जो आप कनेक्शन बनाते हैं क्यूरी के लिए उसको हम ज्वाइन कहते हैं। दो तीन किस्म के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, ठीक है। अब जब इसमें इस तरह का निशान आपको नज़र आए तो इसका मतलब है कि ये इनर ज्वाइन है, कि दोनों में से जो वैल्यूज सेम होंगी, मैच करेंगी, सिर्फ वही आएंगी, ठीक है, उसके अलावा बाकी वैल्यूज नहीं आएंगी। उसके बाद आ गया कि मैं इसे कहता हूँ सिलेक्ट करो टेबल इन्फो में से, तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन हमारे पास बन गया, ठीक है, कि इस टेबल में से तमाम के तमाम डीलर उठा लो, इसमें से कोई नया भी हो तो तब भी इसमें से सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा डीलर का बैलेंस है इसमें हर डीलर लाजमी आएगा, ये हम उस सूरत में करते हैं कि जिस सूरत में हमें ये शक हो कि जो हमारा राइट साइड पे टेबल या व्यू पड़ा हुआ है इसमें से हो सकता है किसी डीलर की इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद ना हो, लेकिन ये हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें वो भी आएगा जिसका बैलेंस ज़ीरो होगा, ठीक है, और वो भी आएगा जिसका प्रीवियस बैलेंस एंटर ही नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो सारे इसमें आएंगे। वो भी आएगा जिससे परचेजिंग हुई है या नहीं हुई, वो भी आएगा जिसको पेमेंट दी है या नहीं दी, ठीक है, सारे के सारे आएंगे, क्योंकि ये जो कनेक्टेड है वो हमारा इस इन्फो के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और राइट आउटर ज्वाइन दे देता हूँ कि तमाम के तमाम इसमें से कलेक्ट करो, तो ये हमारा राइट आउटर ज्वाइन बन जाएगा, इसमें से अगर कोई मिसिंग हो तो इसमें से कलेक्ट कर लो, तो ये तो हमारा टेबल ही ऐसा है कि जिसमें कोई भी मिसिंग नहीं हो, ठीक है। तो ये हमें जो रिजल्ट है उसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम राइट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है, या राइट आउटर ज्वाइन या इनर ज्वाइन, और दूसरा है जी फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास चार किस्म के ज्वाइन आ गए, एक इनर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है, डुप्लीकेट आपके पास आ जाएगा, इस टेबल में से भी आ जाएगा, रिकॉर्ड इस टेबल में से भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ख़त्म करते हैं, हमें चाहिए इनर ज्वाइन,
ठीक है। अब बिगिनर ज्वाइन में से क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, हम इसे कहते हैं कि हमें एक डीलर की आईडी चाहिए, डीलर का नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और उसका एड्रेस नंबर एड्रेस चाहिए, ठीक है, और प्लस बैलेंस अमाउंट चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमें चाहिए जो हमने यहाँ से उठा ली। फिर इसको हम सेव कर लेते हैं, किस नाम से व्यू दे देते हैं, जो हमारा डीलर इन्फो किसके लिए है, परचेज के लिए, डीलर इन्फो परचेज के लिए हैं हमारे पास, इसको हमने वो नेम दे दिया डीलर इन्फो परचेज का, एक व्यू हमने बना लिया। अब इसी व्यू को हमने कॉपी करना है और कहाँ पे डालना है, साथ में जो हमारी दूसरी डेटाबेस है ये वाली, इसके व्यू में हमने ऐड करना है, ऐड न्यू व्यू, और यहाँ से हम क्लोज कर देंगे और इसको सिलेक्ट ऑल करके वो तमाम की तमाम कमांड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद सेम इसी का जो हमने अभी एक नेम दिया है, नेम इसका कॉपी कर लेंगे ताकि वो मिसमैच ना हो, ठीक है। जब सेव करेंगे तो ये हमसे उस व्यू का नेम पूछेगा, तो वही नेम हम इसको दे देंगे, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी एग्जीक्यूशन मोड है और जो डिबगिंग मोड है उसमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। अब हमने जो इस कम्बो बॉक्स के लिए एक अडॉप्टर और चीज़ें बनाई थी, ये मैं कलर डायलॉग को जो है डिलीट कर देता हूँ, हमने यूज नहीं किया, ठीक है। अच्छा, हमने बनाया था एक डीलर इन्फो का, डीलर इन्फो बाइंडिंग और परचेज डीलर इन्फो, इन तीनों को मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और डेटा सेट परचेज डीलर इन्फो को हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में से भी जाके डिलीट करेंगे, डेटा सेट परचेज डीलर इन्फो को, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास या ये सारा काम, उसके बाद हमारा एक एरर जनरेट होता है लोड इवेंट में, क्योंकि ये जो डेटा सेट है ये लोड इवेंट में जाके फिलिंग का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इस कोड को, जो डीलर का इंफॉर्मेशन का डेटा सेट था जो फिल हो रहा था, वो हम ख़त्म कर देंगे। अब दोबारा यहाँ पे हम एक नया डेटा सोर्स इसका क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस डेटा सोर्स में यहाँ पे ये जो कहेगा इसको कहना है नो, ठीक है, ये तो यावर राइट कर देगा। अब हमें क्या चाहिए, सॉरी व्यू चाहिए, जो हमने व्यू बनाया था कौन सा डीलर इन्फो का परचेज के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ डेटा सेट किस चीज़ का जी, परचेज के ऊपर किस चीज़ का है, डीलर इन्फो है परचेज फॉर्म के ऊपर। अब इसमें हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो पहली है जी डिस्प्ले, डीलर का नेम डिस्प्ले हो, और जो वैल्यू मेंबर हो वो डीलर की आईडी हो, ठीक है। अच्छा, इस काम के बाद अब जो हमारे पास दूसरे जो आगे कंपनी के बाकी जो टेक्स्ट बॉक्स थे उनके हमने बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग देनी थी। टेक्स्ट में आ जाए व्यू डीलर इन्फो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद है कंपनी नेम, पहले दो लुकअप के हैं, ये व्यू का है, ठीक है, इसलिए इसके साथ वी आ गया, और उसके बाद आ गया हमारे पास कंपनी नेम, फिर आ गया हमारे पास प्रीवियस बैलेंस, बैलेंस अमाउंट, ठीक है, उसके बाद आ गया एड्रेस, कंपनी एड्रेस, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहला जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो गया, दूसरे की ये अमाउंट है, तीसरे की ये अमाउंट है, ठीक है। अब इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि 40 आ रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब हमने ये करना है, जैसे ही इसका टेक्स्ट चेंज हो तो वो क्या करे, जो ग्रैंड टोटल है, ठीक है, इसको ग्रैंड टोटल दे दे, और टोटल प्लस जो टोटल इनवाइस है वो नेट टोटल है, सॉरी जो नेट टोटल है वो, और प्लस जो है प्रीवियस बैलेंस, जब इसके टेक्स्ट चेंज के ऊपर, ठीक है। हमने ये आना है कि हमारे पास जो टेक्स्ट चेंज ऑलरेडी बने हैं जो सबरूटीन के बाद आ जाए, ये
चुके हैं, तो दो ये हम ग्रिड व्यू में उठा के डाल देते हैं, कंट्रोल एक्स, इनको हम एक ग्रिड व्यू का यहाँ पे रीजन बना लेते हैं, ठीक है, ग्रिड व्यू, ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रिड व्यू का कोड ग्रिड व्यू में डाल दिया, अगेन कोलैप्स करते हैं, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का काम था, ठीक है, और ये आ गया कंट्रोल एक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स का काम है सारा, तो इसको हमने टेक्स्ट बॉक्स में डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया। अब टेक्स्ट बॉक्स में हम देखेंगे कि जो हमारी txt टोटल बैलेंस अमाउंट थी और एक ग्रैंड टोटल था, ठीक है, तो अमाउंट पेड के टैक्स चेंज के ऊपर वो क्या कर रहा था, बैलेंस अमाउंट को कैलकुलेट कर रहा था कि बैलेंस अमाउंट इतनी हो जाए, और अब हमने क्या करना है कि जो हमारा प्रीवियस बैलेंस, जैसे ही वो चेंज हो तो प्रीवियस बैलेंस के चेंज होने पे क्या क्या काम होगा कि वो हमारे जो ग्रैंड सॉरी जो नेट टोटल की एनवाइस है वो प्लस कर देगा साथ में प्रीवियस बैलेंस इक्वल टू ग्रैंड टोटल के, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे करेंगे सॉरी हमारा प्रीवियस बैलेंस के टैक्स चेंज के ऊपर इसको भी हम टैक्स बॉक्स के रीजन में ले जाएंगे, ठीक है, टैक्स बॉक्स के रीजन में यहाँ पे हमने इसको दे देना है मी डॉट टी एक्स टी जो ग्रैंड टोटल है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी देखें ये ग्रैंड टोटल के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, और ये टैक्स चेंज के ऊपर है टोटल इनवाइस और इसके ऊपर, और साथ इसी में हम डाल देते हैं टी एक्स टी कौन सा है प्रीवियस बैलेंस डॉट टैक्स चेंज, ठीक है, इसी में हम डाल देते हैं और यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, मल्टी इवेंट कॉल कर लेते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा इशू कहाँ तक पहुँचा, अभी देखें जैसे ही वहाँ पे आया तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब हम नया एक आइटम ऐड करके देखते हैं, ये देखें जमा होती जा रही है, ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं 200, ठीक है, सही है, 10%, ठीक है, ये ऑलरेडी चेंज होती जा रही है कि प्रीवियस बैलेंस इसका है 5555, अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ नेक्स्ट तो देखें वो भी उस हिसाब से चेंज होगी, अगर मैं ले लेता हूँ ये इसका ज़ीरो था तो देखें चेंज हो गया ग्रैंड टोटल, ठीक हो गया जी। अब हमारा ग्रैंड टोटल सारी चीज़ें काम कर रही हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो वैल्यू है इसके डेसिमल पॉइंट जो हैं वो टू हो जाए, ठीक है, डेटा सेट बनेगा, इस डेटा सेट के हम चले जाएंगे डिज़ाइनर में, हमारे पास जो ऑलरेडी एक कमांड बन रही है तो इसके अंदर आप देखेंगे आपको क्यूरी नज़र आ रही है, ठीक है, तो इस क्यूरी को हम चेंज कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ऑलरेडी आपका कॉलम नेम है वो नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस कॉलम नेम को या क्यूरी बिल्डर में चले जाते हैं और आसानी हो जाएगी, ठीक है, इस कॉलम नेम को मैं कॉपी करता हूँ, सबसे पहले कॉपी करने के बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है यहीं पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, एक फंक्शन है एसक्यूएल के अंदर कन्वर्ट, ठीक है, किस चीज़ में कन्वर्ट करना है जी, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, अच्छा हमने ले लिया कन्वर्ट न्यूमेरिक, डेटा टाइप दे देंगे कि किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आप डेटा टाइप देंगे फिर उस डेटा टाइप का साइज़ देना लाजमी है, ठीक है, उसका साइज़ आप देंगे कि कितनी उसकी लेंथ हो, ठीक है, स्केल उसका क्या हो, फिर उसके बाद प्रिसिशन के पॉइंट्स के बाद कितनी, ठीक है, वैल्यूज़ आएंगी पॉइंट के बाद, मैंने दे दिया टू वैल्यूज़, हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिक और कन्वर्ट का जो है जिसकी वैल्यूज़ हैं उसको मैं बंद कर दूंगा ब्रैकेट, फिर अगेन कामा किस चीज़ को कन्वर्ट करें, जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट है मैं इसको इंटर करके नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, ये इग्नोर कि ये क्या करे, कन्वर्ट करे न्यूमेरिक में इस साइज़ के मुताबिक इस चीज़ को, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे एज
इस कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, यही नेम होना चाहिए जो ऑलरेडी है, ठीक है। कॉलम का नेम नहीं चेंज होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब अब ये काम कर लेंगे, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को, मैं इसको ओके करता हूँ, ओके ठीक है, नेक्स्ट, फेल डेटा सेम उसी तरह से रहने देंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी चेंज ना हो, सिलेक्ट फेल गेट डेटा जनरेट हो गया, फिनिश कर दिया, ये काम हमने कर दिया, सिंपल सा काम हमने। सिर्फ करना क्या है कि आपकी जो डेटा सेट है, जो डेटा सेट है उस डेटा सेट के आपने डिज़ाइनर मोड में चला जाना है। डिज़ाइनर मोड में जाने के बाद जो आपके पास इसकी क्यूरी जनरेट हो रही है फिल करने की, जो फिल का काम कर रहे हैं, उसमें आपने एक चीज़ ऐड कर देनी है, कन्वर्ट न्यूमेरिक, आगे उसका साइज जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो क्लोज कर दें। उसके बाद आप व्यू कर लेते हैं हम एरर लिस्ट कि कोई हमारे पास एरर तो इसमें जनरेट नहीं है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें वैल्यू चाहिए थी 00 के साथ, नो एंड एलिमेंट जो है, ये अक्सर एक प्रॉब्लम आता है जब आप डेटा सेट में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो एंड का एक इशू आता है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एंड का इशू आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे एंड का इशू आएगा वो रखेंगे, जहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आके आपने सिंपल एक एंटर कर देना, ठीक है, तो आपका वो एंड का जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। एग्जीक्यूट करें, अब हम आते हैं फॉर्म के ऊपर, डीलर परचेज, जो भी हमारा डीलर है, अब देखें उसके दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे देखें उसके टू पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उस वैल्यू को ये कन्वर्ट कर देगा, लेकिन नीचे आ ही नहीं रहे, नीचे इसलिए नहीं आ रहे कि नीचे हमने कन्वर्जन का काम नहीं किया, ठीक है। इसके साथ हम कर देते हैं जी ग्रैंड टोटल जो है, ग्रैंड टोटल के काम में हम कर देते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आप करना चाहें आप कर सकते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। जो हमारे पास ग्रैंड टोटल का काम हो रहा था टेक्स्ट बॉक्स के, हमने एक उसमें किया हुआ था ग्रैंड टोटल ये, ठीक है। तो जितने भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, प्लस माइनस होने के बाद मैं इनको कह देता हूँ डेसिमल डॉट राउंड, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है डेसिमल डॉट राउंड, क्या चीज़, कन्वर्ट डेसिमल, डेसिमल जब राउंड का फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको डेसिमल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं कन्वर्ट डेसिमल को कॉल कर लेता हूँ, सी डी ई सी कन्वर्ट डेसिमल, आखिर में चला जाता हूँ कहाँ तक, यहाँ तक, इसको कन्वर्ट डेसिमल कर दो कामा, उसके बाद इसको चाहिए डेसिमल एज इंटीजर, कितने डेसिमल आने चाहिए, दो आने चाहिए, ठीक है जी, डेसिमल और उसके बाद राउंड डेसिमल एज ए टू, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हमने के यहाँ तक, ये इसको ब्रैकेट एक और दे देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा ये चीज़, ठीक है, हमारे एक ब्रैकेट सॉरी मिसिंग था, ठीक है। तो मैंने किया राउंड डेसिमल डॉट राउंड, राउंड कर दो वैल्यू को, किस वैल्यू को, इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हुई हैं इनको राउंड कर दो। फिर मैंने, अब राउंड करने के लिए हमें डेसिमल चाहिए, जब हम वैल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें डबल वैल्यू मिल रही है, तो डबल वैल्यू आपस में प्लस करेगा फिर उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, दो उसमें वैल्यूज, दो क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट ऐड करेगा और उसको फिर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हमारा जो एक काम इसमें मेन रह गया है वो सेव का, ठीक है, सेव का काम रह गया है। आपके लिए टास्क ये है कि आपने सेम इसी तरह का काम सेल के ऊपर करना है और प्लस कंपनी का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जितने भी 10-12 डीलर्स की इंफॉर्मेशन कम से कम पड़ी होनी चाहिए, 10-12 कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन पड़ी होनी चाहिए, फिर जो पेमेंट, पेमेंट वाला फॉर्म कंप्लीट किया, पेमेंट में एंट्री हो रही है, तो पेमेंट में भी एंट्रीज डालें, ठीक है, कि जिसकी प्रीवियस बैलेंस आप देख लें इतना है तो उस हिसाब से उसकी मुख्तलिफ पार्ट्स में 8-10 हर एक डीलर की एंट्री डाल लें, ताकि हमें जो हमने यूनियन का व्यू बनाया है उसके बारे में भी पता चल जाए कि यूनियन का व्यू सही कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास डेटा होगा, उस डेटा के ऊपर जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद हम गेस कर सकते हैं कि ये डेटा हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक कस्टमर है जिसकी हमारे पास आ रही है जी 5555, तो उस सूरत में उसकी फिर 3-4 एंट्रीज डालें, किसी में उसने 1000 उसको पे कर दिया डीलर को, किसी में 1200 पे कर दें, किसी में 1233 कर दें, इस तरह की मल्टीपल वैल्यूज, फिर हम उनको अलग अलग से प्लस माइनस करके फिर जो हमें हमारा सॉफ्टवेयर रिजल्ट दे रहा है क्या ये एक्यूरेट दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है, ये फिर उसके बाद होगा। तो काम ये होगा आपका, कम अज़ कम 8-10 कस्टमर की इंफॉर्मेशन
किसी का प्रीवियस बैलेंस डालें किसी का ना डालें, ठीक है। कम से कम 8-10 डीलर की इन्फॉर्मेशन, किसी का प्रीवियस बैलेंस हो किसी का ना हो। फिर जिस कस्टमर से रिसीव की उसकी एंट्रीज डालें कि इस कस्टमर से इतना इतना रिसीव किया। फिर कस्टमर डीलर की जो पेमेंट है कि डीलर को इतना इतना हमने पे किया मालिक ने, ठीक है, उसकी कुछ एंट्रीज डालें। और लुकअप फॉर्म में जितनी एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं वो डाल लें, कंपनी नेम, डिस्क्रिप्शन। फिर इसका सेव का काम रह जाएगा कि ये इनवाइस सेव हो, ठीक है। सेव होने के बाद ये कहाँ कहाँ सेव करेगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें, ठीक है।